नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। दोस्तों, पिछले सत्र में हमने 29 कवितांशों पर बात की थी अंधेरे में कविता के, और आज के सत्र में हम उसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए 30 से लेकर आगे जितने भी हो पाएंगे उतने कवितांशों पर बात करेंगे, उनके मूल कथ्य को समझने की कोशिश करेंगे, ताकि हम इस लंबी कविता में निहित मुक्तिबोध के उस विचार क्रम को समझ सकें कि आखिर वे अलग अलग इन दृश्यों के माध्यम से क्या संदेश पाठकों तक पहुंचाना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। 30वें कवितांश की बात कर रहे हैं। कवि लिखते हैं, हाय हाय पितः पितः ओ, चिंता में इतने न उलझो, हम सभी जिंदा हैं, चिंता क्या है। मैं उस पाषाण मूर्ति के ठंडे, यानी प्रसंग क्या चल रहा है, प्रसंग ये चल रहा है कि कवि अपने मानस में घूमते जा रहे हैं, विचारों में चिंतन में डूबे हैं, और अचानक उन्हें ऐसा लगता है कि वे एक चौराहे पर आकर के खड़े हो गए हैं, और उन्हें वहां पत्थर की पीठिका पर रखी तिलक की प्रतिमा दिखाई देती है। तिलक जो कि स्वाधीनता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसके क्रांति इस क्रांतिकारी विचारों के प्रवर्तक रहे और क्रांति दल उग्रवादी दल के शीर्षस्थ नेताओं में गिने जाते थे बाल गंगाधर तिलक। तो कवि उनको याद करते हैं, क्योंकि कवि अंधेरे में कविता के माध्यम से उसी क्रांति चेतस आत्मा की तलाश में है, उसी क्रांति की चेतना की अग्नि को प्रज्वलित करना चाहते हैं जो पूरे समाज का चेहरा बदल सके। तो जब वो उस प्रतिमा को देखते हैं, आपको स्मरण होगा कि उन्हें ऐसा लगता है मानो उनकी नासिका से रक्त बह रहा है, तिलक की प्रतिमा की नासिका से रक्त बह रहा है, और कवि ऐसा महसूस करते हैं कि अपने क्रांतिकारी विचारों, अपने मानवतावादी मूल्यों के व्यर्थ होते देखकर शायद तिलक को तनाव हो गया है मानसिक, और उसके कारण उनके मस्तिष्क के कोश की रक्त जो रक्तवाहिका नलिकाएं हैं वो फट गई हैं, और उसी के कारण ये रक्त बह रहा है, जो कि इस बात का प्रतीक है कि उनके मानवतावादी मूल्य भारत की आजादी को सुरक्षित रखने के लिए निष्फल हो रहे हैं, क्योंकि राजनीतिक दावपेचों के चलते उन मानवतावादी आदर्शों को अपने स्वार्थ के अनुसार तोड़ मरोड़ लिया गया है। उसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए कवि लिखते हैं, किसको संबोधित कर रहे हैं, हाय हाय पिता और पिता तिलक को। जब वो उनके नासिका से बहते हुए रक्त को देखते हैं तो उनकी वेदना और अधिक बढ़ जाती है, उनकी पीड़ा और अधिक बढ़ जाती है, और वो तिलक को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे पिता, यानी हमारे पथ प्रदर्शक, हमारी स्वतंत्रता के रक्षक, हमारे मार्गदर्शक पिता, आप इतने चिंतित मत होइए। यानी अपने क्रांतिकारी जीवन मूल्यों को निष्फल होते देख, प्रभावहीन होते देख, आप इतने उद्विग्न मत होइए, आप इतने चिंतित मत होइए। क्यों मत होइए, हम अभी जिंदा हैं, यानी आपके क्रांतिकारी विचारों के कर्णधार के रूप में ये युवा, आज की युवा पीढ़ी अभी जिंदा है, जो आपके इन क्रांतिकारी जीवन मूल्यों को लेकर आगे बढ़ेगी और इस समाज का विकृत जो चित्र है, जो चेहरा है, उसे बदलने की कोशिश करेगी। चिंता क्या है, इसलिए आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, आप अपने जीवन मूल्यों को हमें सौंप कर निश्चिंत हो सकते हैं, क्योंकि हम ये आश्वासन देते हैं आपको, हम ये विश्वास दिलाते हैं कि हम इन जीवन मूल्यों की रक्षा हर स्थिति में करेंगे। मैं उस पाषाण मूर्ति के ठंडे, और कवि लिखते हैं कि उसके बाद ये कहकर, किससे कहा गया ये संवाद है, ये तिलक से कहा गया है, प्रश्न पूछा जा सकता है, ध्यान रखेंगे। मैं उस पाषाण मूर्ति के ठंडे, कवि लिखते हैं कि मैं उस पत्थर की मूर्ति के ठंडे, आगे देखते हैं, पैरों को छाती से बरबस चिपका रुआसा होता कि उसके जो पाषाण पीठिका है, तिलक की जो प्रतिमा है, उसके चरणों से लिपट जाते हैं कवि, और वहां बरबस चिपक कर रुआसे होते हैं, यानी तिलक के जीवन मूल्यों को निष्फल होते देख, प्रभावहीन होते देख, वे स्वयं एक अंतर में एक पीड़ा का अनुभव करने लगते हैं, देह में तन गए करुणा के कांटे, और वो वीणा, वो वेदना इतनी अधिक प्रबल रूप धारण कर लेती है कि उन्हें लगता है कि मानो करुणा जैसे कोमल भाव ने भी मैं भी कांटों की जैसे तीखापन आ गया है, यानी करुणा बदलकर तीखे भावों में, एक आक्रोश में धीरे धीरे बदलने लगती है। छाती पर, सिर पर, बाहों पर मेरे गिरती है नीली बिजली की चिंगियां,
और कवि अनुभव करते हैं कि जैसे उस प्रतिमा के चरणों से लिपटने के बाद जो नीली चिंगियां, जो नीली चिंगारियां प्रतिमा से निकल रही थी पिछले अंश में, उसी को महसूस करते हैं। वो कहते हैं, ऐसा लगता है मानो मेरी छाती पर, मेरे सिर पर, मेरे बाहों पर वे नीली चिंगारियां, जो कि क्रांति की चिंगारियों की, क्रांति की विचारधारा की प्रतीक हैं। और नीली क्यों है? क्योंकि उनमें अद्भुत क्षमता है विकृतियों को नष्ट करने की, विसंगतियों को समाप्त करने की। तो कवि को लगता है जैसे उनके पूरे रोम रोम में, उनके पूरे शरीर पर उन चिंगारियों का प्रभाव पड़ रहा है, वे चिंगारियां पड़ रही हैं। यानी कवि अपने पूरे व्यक्तित्व पर क्रांतिकारी चेतना के प्रभाव को महसूस करते हैं। बिजली की चिंगियां, रक्त टपकता है हृदय में मेरे, और कवि उस वेदना को जो तिलक की वेदना है उसे अपने भीतर इतना अधिक गहराई से महसूस करते हैं कि उन्हें लगता है मानो उनके हृदय में रक्त टपकने लगा हो, यानी उतनी पीड़ा उनके हृदय में एकत्र हो जाती है। आत्मा में बहता सा लगता खून का तालाब, और उन्हें ऐसा लगता है मानो उनकी आत्मा में खून का, यानी उस पीड़ा का, उस वेदना का एक तालाब सा बन गया है, यानी वो वेदना व्यापक रूप धारण कर वहां उपस्थित हो गई है। इतने में छाती में भीतर ठक ठक, सिर में है धड़ धड़ कट रही हड्डी। कवि अनुभव करते हैं इस अपनी वेदना को व्यापक रूप में अपने हृदय में महसूस करने के बाद उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी छाती से ठक ठक की आवाज आ रही है, यानी उनके हृदय में तनाव बहुत अधिक बढ़ गया है। छाती में भीतर ठक ठक, ठक ठक का मतलब है तनाव अत्यधिक बढ़ गया है। सिर में है धड़धड़, और मस्तिष्क में विचारों का इतना आवेग है, इतना द्वंद्व है, इतना दबाव है कि धड़ धड़ की आवाज आती है, और इतना ज्यादा विचारों में संघर्ष चल रहा है बौद्धिक स्तर पर कि कवि को लगता है मानो कोई उनके मस्तिष्क की हड्डी काट रहा हो, यानी ये मस्तिष्क कट रही, मस्तिष्क की हड्डी यानी वैचारिक संघर्ष चल रहा है। वैचारिक संघर्ष का एक बहुत खूबसूरत परिणाम होता है दोस्तों, जब बहुत ज्यादा वैचारिक संघर्ष हमारे मस्तिष्क में चलता है तो उस संघर्ष का एक सुंदर परिणाम ये निकलकर सामने आता है, एक निष्कर्ष निकलकर सामने आता है कि जितने भी व्यर्थ के विचार हैं वो तो निष्फल हो जाते हैं, प्रभावहीन हो जाते हैं, केवल और केवल वो निष्कर्ष प्रबल रूप में हमारे मस्तिष्क में, हमारे हृदय में विद्यमान रह जाता है जो वास्तव में हमारे लिए उपयोगी होता है। उसी स्थिति की ओर यहां संकेत किया जा रहा है कि हृदय में तनाव अत्यधिक बढ़ गया है, मस्तिष्क में विचारों का संघर्ष इतना तेजी से बढ़ गया है कि ऐसा लग रहा है कवि को मानो उनकी हड्डी, मस्तिष्क की हड्डी को काटा जा रहा है। फिक्र जबरदस्त, और वे और अधिक उद्विग्न होने लगते हैं। विवेक चलाता तीखा सा रंधा, और उनकी बुद्धि इतना अधिक प्रबल रूप धारण कर चुकी है कि उनकी, उनका जो विवेक है, उन्हें ऐसा लगता है मानो तीखा सा रंधा चला रहा है, यानी उनकी जो चिंतना है, उनकी जो चिंतन धारा है, उनकी जो सोच है, उसको परिष्कृत किया जा रहा है। हम रंधा चलाकर, कोई भी खाती जब रंधा चलाता है तो क्या करता है, लकड़ी को छीलने का काम करता है, तो वही छीलन उनके बौद्धिक स्तर पर हो रही है, यानी जो विकृत स्थितियां हैं, जो विकृत विचारधारा है, जो हमारे लिए प्रासंगिक और उपयोगी नहीं है, निरर्थक है, उसे हटाया जा रहा है विवेक के द्वारा, और केवल जो सार्थक और उपयोगी विचार है उनको रखा जा रहा है। चल रहा बसूला, और बसूला चल रहा है जिसके द्वारा खाती अपने लकड़ी के टुकड़े को मनचाहा आकार देता है, वो बसूला चल रहा है, यानी विचार एक आकार ग्रहण कर रहे हैं। छीले जा रहा मेरा यह निजत्व ही कोई, और कवि को ऐसा लगता है क्योंकि कवि को अपने उस चिंतन धारा से, अपने उस विचार से बहुत अधिक मोह है, वे उसे अपने व्यक्तित्व का एक अभिन्न अंग मानते हैं, लेकिन जब उस पर रंधा चलाया जाता है, उसका परिष्कार किया जाता है, उसमें सुधार लाया जाता है, उसकी दिशाएं बदली जाती हैं, तो कवि को लगता है मानो कोई उनके अपने व्यक्तित्व को ही छील कर अलग कर रहा है, परिवर्तित करने की कोशिश कर रहा है, यानी व्यक्तित्व में, विचारधारा में बदलाव की ओर संकेत कर रहे हैं, क्योंकि कवि अभी तक पलायनवादी हैं, वे संघर्ष करना चाहते हैं, उनमें इच्छा है संघर्ष करने की, उनमें समाज के चेहरे को बदलने की इच्छा है, लेकिन उनमें वो साहस नहीं है जिसके आवेग में आकर वो साहसिक कदम उठा सकें और हर तरह के संघर्ष से को का पार करते हुए आगे बढ़ सकें। तो इसलिए उनके व्यक्तित्व का क्षरण हो रहा है, जो
कमजोर भाग है उसे हटाया जा रहा है, तो कवि को महसूस होता है छीले जा रहा है मेरा यह निजत्व ही कोई, और ये निजत्व कौन छीन रहा है, उनकी अपनी बौद्धिक चेतना छील रही है, यानी जो व्यर्थ के विचार हैं उनको अलग किया जा रहा है, जो सार्थक और उपयोगी विचार हैं उन्हें रखा जा रहा है। भयानक जिद कोई जाग उठी मेरे मन में, और जैसे ही ये विचारधाराओं में परिवर्तन होता है कवि को महसूस होता है जैसे उनके हृदय में एक भयानक सी जिद उत्पन्न हो गई है। जिद संकल्प शक्ति की ओर संकेत करती है। कैसी जिद? कि अब वे पलायन नहीं करेंगे, अब वे निश्चित रूप से समाज के इस बदरंग चेहरे को बदल कर रहेंगे। भयानक जिद कोई जाग उठी मेरे भी अंदर, हट कोई बड़ा भारी उठ खड़ा हुआ है, और एक बहुत बड़ा संकल्प, एक हट, एक जिद पैदा हो गई है कि अब मैं हर हालत में अपने लक्ष्य को प्राप्त करके रहूंगा। और वो लक्ष्य कवि का क्या है? मानवतावादी जीवन मूल्यों पर आधारित एक स्वस्थ समाज की स्थापना करना। इतने में आसमान कांपा, वधाएं धाएं, बंदूक धड़ाका, बिजली की रफ्तार पैरों में घूम गई, खोहों सी गलियों के अंधेरों में एक ओर। और इतने में जैसे ही कवि ये निष्कर्ष निश्चय करते हैं, ये संकल्प करते हैं कि अब हर हाल में समाज के इस चेहरे को, विकृत चेहरे को बदल देंगे, वे संघर्ष करने के लिए अपने आप को तत्पर करते हैं कि तेजी से बंदूक की गोली के चलने की आवाज आती है, और पूरा का पूरा परिवेश आसमान से लेकर पृथ्वी तक उस बंदूक की गोली से कांप उठता है। ये क्या संकेत है? ये संकेत है इस बात का, देखिए मुक्तिबोध की कविताओं में कोई भी वर्णन, कोई भी दृश्य व्यर्थ नहीं होता, उसका निश्चित रूप से कोई ना कोई एक सांकेतिक अर्थ अवश्य होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहां जो बंदूक का धड़ाका है, ये बंदूक का धड़ाका किसी आतंकवाद की ओर संकेत नहीं कर रहा, बल्कि क्रांति के सूत्रपात की ओर संकेत कर रहा है। क्योंकि कवि के मन में क्या, देखिए आप क्रम देख लीजिए, कवि पहले आश्वासन देते हैं तिलक को कि हर हाल में वे उनके जीवन मूल्यों को सुरक्षित रखेंगे, दूसरी ओर दूसरे ही कदम पर, दूसरे ही चरण में, दूसरी ही पंक्ति में वे उनकी पीड़ा को अपने भीतर महसूस करते हैं, उसके बाद उन्हें लगता है कि उनके व्यक्तित्व में संघर्ष चल रहा है, विचारधाराओं का परिष्कार हो रहा है, और विचारधाराओं के परिष्कार के बाद उनमें संकल्प शक्ति जागती है संघर्ष करने की, और संकल्प शक्ति के तुरंत बाद गोली की आवाज है, यानी वो संकल्प शक्ति उन्हें रास्ता दिखा रही है कि तुम जो संकल्प कर रहे हो इस विकृत मानव समाज के स्वरूप को बदलने का, उसको बदलने का एक ही मार्ग है, और वो है क्रांति का मार्ग। यहां ये संकेत, ये क्रम, आपको निश्चित रूप से ध्यान में रखना है। आगे चले, और जैसे ही बंदूक की आवाज आती है, बिजली किसी रफ्तार उनके पैरों में घूम जाती है, यानी बिजली किसी लहर फुर्ती उनके रोम रोम में व्याप्त हो जाती है, खोहों सी गलियों के अंधेरे में। और खोहों सी गलियां, जो छोटी छोटी सकड़ी सकड़ी गलियां हैं, जो गुफाओं जैसी हैं, इतनी सकड़ी हैं और जिनमें अंधकार छाया है, यानी जहां मानव जीवन विकृतियों और विसंगतियों के अंधकार से घिरा हुआ है, वहां पर एक ओर मैं थक बैठ गया सोचने विचारने, उन्हीं गलियों के बीच में कवि लिखते हैं कि मैं उस बंदूक की आवाज सुनकर मेरे पैरों में फुर्ती आ गई, और मैं उस उन्हीं गलियों में से, अंधकार में डूबी हुई उन्हीं गलियों में से जो गुफाओं के आकार की हैं, उन्हीं में एक किनारे पर सोचने विचारने बैठ गया। यानी वे उस संकेत को समझ गए कि संकेत क्या दिया जा रहा है, कि क्रांति के सूत्रपात किए बिना ये स्वप्न साकार नहीं हो सकता, वे मानवतावादी मूल्य साक्षात जीवन में उतरेंगे नहीं, परिवेश में उतरेंगे नहीं, तो अब किस तरीके से उस क्रांति का सूत्रपात किया जाए, उसके विषय में सोचने विचारने के लिए कभी एक और बैठ गए हैं। अगले अंश पर आते हैं। अंधेरे में डूबे मकानों के छप्परों के पार से रोने की पतली सी आवाज, सोचने विचारने के लिए बैठे हैं। देखिए किस तरीके से, आप इस क्रम को नहीं भूलेंगे तभी आप अंधेरे में कविता के मूल तथ्य को हृदयंगम कर पाएंगे। तो कवि जब सोचने विचारने में लगे हैं, तब उन्हें लगता है अंधेरे में डूबे मकानों के छप्परों पार से रोने की पतली सी आवाज, कि अंधेरे में जो मकान, क्योंकि गली में बैठे हैं वे, गली में अंधकार है, गली कैसी है, गुफा जैसी सकड़ी है, यानी जीवन में उन्मुक्तता नहीं है, उन अंधकार में डूबे हुए घरों के जो छप्पर हैं, यानी दीनहीन स्थिति के घर हैं वहां पर, यानी आम जन के घर हैं जो बहुत ही सुविधाहीन जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उनके छप्परों के दूसरी ओर से कवि को एक रोने की पतली सी आवाज सुनाई देती है, यानी वेदना का, पीड़ा का एक और संकेत मिलता है।
सूने में कांप रही दूर तक, और कभी महसूस करते हैं कि यह आसपास जो सन्नाटा छाया हुआ है, उस सन्नाटे में वो रोने की पतली सी आवाज दूर दूर तक गूंज, कांपती हुई गूंज रही है, यानी परिवेश में व्याप्त हो रही है। कराहों की लहरों में पाशव पाकृत वेदना भयानक थरथरा रही है। मैं उसे सुनने का करता हूं यत्न कि देखता क्या हूं सामने मेरे सर्दी में बोरे को ओढ़कर। अब क्या है कि उनको लगता है रोने की जो आवाज आ रही है उसमें उनको एक पीड़ा का अनुभव होता है, कराहों की लहरों यानी पीड़ा का अनुभव होता है, और वो पीड़ा कैसी है, पाशव यानी पशुता से उत्पन्न है, पशुता यानी भयानक स्थितियों से उत्पन्न है, समाज में जो भयानक स्थितियां हैं उनसे उत्पन्न पीड़ा है, और वो कैसी है, प्राकृत है यानी स्वाभाविक है, कोई भी व्यक्ति उन पशुतापूर्ण स्थितियों में आकर वैसी ही पीड़ा अनुभव करेगा, इतनी वेदना उस पीड़ा में है, वेदना भयानक थरथरा रही है, बहुत अधिक पीड़ा उस रोने की आवाज में विद्यमान है। मैं उसे सुनने का करता हूं यत्न, और कवि उस वेदना की गहराई में जाने के लिए, उस पीड़ा के मर्म तक पहुंचने के लिए बहुत ध्यान से उस आवाज को सुनते हैं कि देखता क्या हूं। तभी वो उन्हें दिखाई देता है कि सामने उनके सर्दी में बोरे को ओढ़कर, एक बोरी को ओढ़ करके कोई एक अपने हाथ पैर समेटे कांप रहा, हिल रहा, वह मर जाएगा। कभी देखते हैं कि कोई एक व्यक्ति बोरे में अपने आप को बैठा, ओढ़कर बोरे में बैठा हुआ है, उसने अपने हाथ पैर से कोड़ रखे हैं और वो बुरी तरह से कांप रहा है, शायद कभी सोचते हैं कि शायद वो ठंड के कारण कांप रहा है और इसीलिए वो बोरा ओढ़ करके बैठा है, हिल रहा वह, और इतनी बुरी तरह से हिल रहा है कि कभी को लगता है कि शायद ये कुछ ही समय में शीत के कारण, सर्दी के कारण मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इतने में वह सिर खोलता है सहसा, अचानक कभी देखते हैं कि उस व्यक्ति ने बोरे में से अपना सिर निकाला, बाल बिखरते, उस व्यक्ति के जिसने सिर खोला है, निकाला है बोरे में से, उसके बाल बिखरे हुए हैं। बाल बिखरे हुए किस बात का प्रतीक है, परिवेश में बिखराव है, यानी कहीं भी सामंजस्य और संतुलन की स्थिति नहीं है। दिखते हैं कान, फिर उसके बालों के बाद उस व्यक्ति के कान दिखाई देते हैं। कान किस बात का प्रतीक है कि सुनने की क्षमता सुरक्षित है, यानी सुन सकता है वो। आगे चलें, फिर मुंह खोलता है, वह कुछ बुदबुदा रहा है, लेकिन जब वो मुंह खोलता है तो उसकी आवाज कैसी है, इतनी हल्की है, इतनी धीमी है कि ऐसा लगता है मानो वो मन ही मन कुछ बुदबुदा रहा है, यानी अभिव्यक्ति प्रतिबंधित है। किंतु मैं सुनता ही नहीं हूं, क्योंकि वो बुदबुदा रहा है, इतनी धीमी आवाज में बोल रहा है कि कवि कहते हैं कि मुझे सुनाई ही नहीं देता कि आखिर वो क्या बोल रहा है। संकेत है कि अभिव्यक्ति प्रतिबंधित है, सुन सकता है वो, लेकिन और परिवेश की जो स्थितियां हैं, जो बिखराव है, जो असंतुलन है, उसको देख सकता है, सुन सकता है, लेकिन उसके विषय में अपने कोई विचार व्यक्त नहीं कर सकता, इतना दबाव अभिव्यक्ति पर है। तो कवि लिखते हैं, किंतु मैं सुनता ही नहीं हूं, ध्यान से देखता हूं वह कोई परिचित, और कवि बहुत ध्यान से उस व्यक्ति के चेहरे को देखते हैं और उन्हें महसूस होता है कि ये तो कोई बहुत ही जाना पहचाना चेहरा है, जिसे खूब देखा था, निरखा था कई बार, पर पाया नहीं था। कभी महसूस करते हैं कि ये जो व्यक्ति है ये मेरा बहुत जाना पहचाना है, इसे मैंने बहुत अच्छी तरह देखा है, पास से देखा है, लेकिन कभी मैंने उसे पाया नहीं है। पाने का मतलब क्या होता है, देखिए, देखने और निरखने का मतलब है कि हम एक दूसरे के बिल्कुल पास हैं, लेकिन किसी को प्राप्त करने का मतलब है कि हमने उसके जीवन मूल्यों को, उसके आदर्शों को अपने जीवन में उतार लिया है। तो कवि कहते हैं कि मैंने उसे बहुत पास से देखा है, लेकिन उसने जिन आदर्शों, जिन विचारों को मेरे सामने प्रस्तुत किया, उन्हें मैंने पाया नहीं, यानी मैंने उन्हें अपने जीवन में उतारा नहीं। आगे चलें। अरे हाँ, वह तो विचार उठते ही दब गए, और अचानक कवि को वो व्यक्ति पहचान में आ जाता है, और जैसे ही विचार उठते हैं वैसे ही दब जाते हैं, क्योंकि इतनी अप्रत्याशित व्यक्ति से उनकी मुलाकात हो रही है, उनका साक्षात्कार हो रहा है, कि विचार उठकर उसी गति से वापस दब भी जाते हैं। सोचने का साहस जब चला गया है, और व्यक्ति जो कवि हैं उनकी बुद्धि, सोचने समझने की क्षमता कुंठित हो जाती है। वह मुख, अरे वह मुख, वे गांधी जी। तो तिलक के बाद कवि किससे साक्षात्कार करते हैं,
गांधी जी से साक्षात्कार करते हैं। सबसे पहले टॉल्स्टॉय से मिले, उसके बाद तिलक से मिले, और उसके बाद अब वे महात्मा गांधी से मिल रहे हैं। ये सभी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने विभिन्न जीवन के आदर्श मानवतावादी मूल्यों की स्थापना करने के लिए अपना जीवन पूरा का पूरा अर्पित कर दिया, और जिन्होंने तिलक और महात्मा गांधी जिनके योगदान से भारत आजाद हो सका। तो अरे वे मुख वे गांधी जी हैं। तो कवि लिखते हैं कि जब वो पहचान जाते हैं वो कहते हैं अरे ये चेहरा ये तो गांधी जी हैं। इस तरह पंगु, लेकिन कवि के मन में दोबारा से पीड़ा भर उठती है कि वो गांधी जी जैसी अलौकिक व्यक्तित्व के धनी को जो स्वतंत्रता के लिए जिन्होंने अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया उनको इतनी पंगु यानी असहाय अवस्था में देखते हैं। असहाय अवस्था, असहाय अवस्था क्या है उनकी, कि वो बोरा ओढ़कर ठंड में बैठे हैं अपने हाथ पैर सिकोड़कर। वे अभिव्यक्ति उनकी प्रतिबंधित है, वे सुन सकते हैं, परिवेश की विसंगतियों असंतुलन असामंजस्य को देख सकते हैं, लेकिन विचार व्यक्त नहीं कर सकते। इतनी असहाय स्थिति में वे उन्हें देखते हैं तो उनको बहुत आश्चर्य होता है, कभी बहुत टूट जाते हैं अंदर से। इसका सांकेतिक अर्थ ये है, सांकेतिक अर्थ है कि गांधी जी ने जिन आदर्शों जिन मानवतावादी मूल्यों की स्थापना के लिए जीवन भर संघर्ष किया वे जीवन मूल्य भी तिलक के जीवन मूल्यों की तरह व्यर्थ और प्रभावहीन हो गए हैं, क्योंकि राजनीतिक दावपेचों ने उन्हें स्वार्थ सिद्ध तोड़ मरोड़ कर स्वार्थ सिद्धि का आधार बना लिया है, केंद्र बना लिया है, माध्यम बना लिया है। नहीं नहीं, वे जांच पड़ताल रूप बदल कर करते हैं चुपचाप सुराग रसी सी कुछ। लेकिन कवि को यह स्वीकार नहीं है, उनकी अंतश्चेतना को यह स्वीकार नहीं है कि गांधी जी को वो इतनी असहाय हालत में देख सके। वो सह नहीं पाते इस दृश्य को, तो वो अपने मन को समझाते हैं कि नहीं नहीं, वास्तव में ये असहाय नहीं है। इनकी आदत है कि ये वेश बदल कर रात्रि के समय जासूसी करते हैं, पूरे देश की परिस्थितियों का मुआयना करते हैं, और शायद वे इस असहाय का वेश धारण करके संभवतः कोई सुराग रसीसी यानी जासूसी कर रहे हैं। आगे चलते हैं। अंधेरे की स्याही में डूबे हुए देव को सम्मुख पाकर, और अंधकार विकृतियों के अंधकार में डूबे हुए देव किसको कहा गया है, गांधी जी को। गांधी जी को अपने सामने पाकर मैं अति दीन हो जाता हूं पास की बिजली का झटका, कहता है भाग जा हट जा हम हैं गुजर गए जमाने के चेहरे आगे तू बढ़ जा, किंतु मैं देखा किया उस मुख को। कवि लिखते हैं कि मैं गांधी जी को इस असहाय अवस्था में देखकर उनके जो दिव्य मुख है उसको अंधकार विकृतियों के अंधकार में डूबा हुआ देखकर मैं अपने आप को बहुत कमजोर महसूस करने लगता हूँ, अति दीन हो जाता हूँ यानी अब मेरी शक्ति जैसे पूरी समाप्त हो जाती है। लेकिन एकाएक मुझे बिजली का सा झटका लगता है और मुझे ऐसा लगता है मानो महात्मा गांधी कह रहे हैं मुझसे कि भाग जा हट जा, कि तू मेरे पास से भाग जा दूर हट जा, हम बीते हुए जमाने के चेहरे हैं तुझे आगे बढ़ना है। संकेत क्या है इस पंक्ति को, बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं ये, इनका संकेत ये है कि गांधी जी के माध्यम से कवि ये संदेश दे रहे हैं कि हमें जैसे जैसे समय बीतता जाए अपने जीवन मूल्यों को बुद्धि की कसौटी पर कसना चाहिए। वे आदर्श जो महापुरुषों के द्वारा हमारे पूर्वजों के द्वारा हमारी संस्कृति के कर्णधारों के द्वारा हमारे लिए प्रस्तुत किए गए, समय के साथ साथ उनमें विकृतियां उत्पन्न होती हैं, तो हमारी हमारी बुद्धिमत्ता किसमें है, हमारा वैचारिक संतुलन कब सामने आएगा, जब हम बुद्धि की कसौटी पर उन प्रत्येक जीवन मूल्यों को परख निरख लेंगे और विकृतियों को हटा देंगे, यानी जो उसमें से अनुपयोगी है हमारी प्रगति के मार्ग में रुकावट बन सकता है उसे छोड़ देंगे, और शेष जो हमारे लिए प्रगति के रास्ते में श्रेयस्कर हो सकता है कल्याणकारी हो सकता है उसे आगे लेकर चलेंगे, क्योंकि ऐसा करने पर ही हम व्यर्थ की रूढ़ियों परंपराओं और आदर्श जो हमारे लिए बोझ बन गए उनको छोड़कर वास्तविक रूप से प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ सकेंगे। तो गांधी जी के माध्यम से कवि ये संदेश दे रहे हैं कि हम हैं गुजर गए जमाने के चेहरे, कि हम बीते हुए समय के चेहरे हैं, यानी हमारे जो जीवन मूल्य है हमने जो जिन आदर्शों की स्थापना की समय के साथ साथ अब परिवर्तन हो गया है, परिवेश बदल रहा है, स्थितियां बदल रही हैं, तो तुम्हारी आवश्यकता है कि तुम उन जीवन मूल्यों को बुद्धि की कसौटी पर कसो और उनमें से जो तुम्हारे लिए उपयोगी है उसे ग्रहण कर निरंतर आगे बढ़ो, क्योंकि आगे बढ़ना आवश्यक है। व्यर्थ में गति को रोककर रूढ़ियों से चिपके रहना बुद्धिमानी नहीं है, प्रगति के मार्ग की रुकावट है। ये संदेश यहां इन पंक्तियों के माध्यम से दिया जा रहा है।
किंतु मैं देखा किया। और जब गांधी जी ये बोल रहे थे तो लेखक कवि लिखते हैं कि मैं उनको एक टक उनके चेहरे को देखता रहा, यानी एकाएक वे उनके द्वारा कही गई बात को समझ नहीं पाए, सोच नहीं पाए, ग्रहण नहीं कर पाए। गंभीर दृढ़ता की सलवटें वैसी ही शब्दों में गुरुता है। और कवि को लगता है कि जितनी गंभीरता और जितनी दृढ़ता उनके चेहरे पर उस समय थी, आज भी उनमें वही गंभीरता है, उनके व्यक्तित्व में वही गहराई है, वही दृढ़ता उनके चरित्र में है, और शब्दों में वही भारीपन है, वही वजन है, यानी वही प्रभाव है। गुरुता भारीपन होता है, लेकिन यहां प्रभाव, यहां सांकेतिक अर्थ है इसका प्रभाव। और क्या कह रहे हैं कवि महसूस करते हैं, वे कह रहे हैं दुनिया न कचरे का ढेर कि जिस पर दानों को चुगने चढ़ा हुआ कोई भी कुक्कुट कोई भी मुर्गा। आगे चलते हैं, यदि बांग दे उठे जोरदार बन जाए मसीहा। अब इन पंक्तियों का अर्थ समझ लेंगे, कवि क्या कह रहे हैं गांधी जी के माध्यम से। गांधी जी की पंक्तियां हैं ये इस कविता में, गांधी जी के माध्यम से कहलवाई है। तो गांधी जी कह रहे हैं कि दुनिया ना कचरे का ढेर, कि ये दुनिया कचरे का ढेर नहीं है। किस संदर्भ में कही जा रही है ये बात, इसको भी समझ लेंगे। बहुत सारी वैचारिक मान्यताएं, बहुत सारे विचार समाज में उस समय प्रचलित हैं, और उनका इतना झुरमुट बन गया है कि ये निर्णय करना मुश्किल है कि कौन सा विचार हमारे लिए कल्याणकारी है, कौन सा विचार हमारे लिए उपयोगी है। तो विचारों का एक कचरा सा इकट्ठा हो गया है मानव परिवेश में। तो गांधी जी के माध्यम से कवि कहते हैं दुनिया ना कचरे का ढेर, कि ये दुनिया कचरे का ढेर नहीं है कि जिस पर कोई भी मुर्गा अपना चुग्गा चुगने के लिए चढ़े और फिर बांग दे और मसीहा बन जाए। यानी यहां पर दुनिया कचरे का ढेर नहीं है कि यहां पर कोई भी व्यक्ति अपने विचार, व्यर्थ के विचार जो प्रासंगिक नहीं है, ऐसे विचार व्यक्त करे और उन विचारों को लोगों के सामने प्रस्तुत करे और स्वयं विचारों का प्रवर्तक यानी बहुत ही विद्वान विवेकशील व्यक्ति के रूप में, चिंतक के रूप में हमारे सामने आए। यदि बांग दे उठे जोरदार बन जाए मसीहा, वे कह रहे हैं मिट्टी के लौंदों के किरगीले कण कण गुण हैं जनता के गुणों सहित। देखिए उस एक कथन के बाद तो दूसरा जो कथन है उसको बहुत ध्यान से समझेंगे। पहले वे कहते हैं कि ये दुनिया कचरे का ढेर नहीं है कि जहां पर कोई भी आकर के एक टीले पर चढ़कर के बड़ी बड़ी बातें करे और मसीहा बन जाए, यानी युग का दिशा निर्देश देने वाला, युग की दिशा निर्धारित करने वाला, विकास की दिशा निर्धारित करने वाला बन जाए। यहां पर तो ये बात कही जा रही है। उसके तुरंत बाद आप समझेंगे कि वे क्या, कवि क्या कहना चाहते हैं गांधी जी के माध्यम से। वे कह रहे हैं कि मिट्टी के लौंदे के किरगीले कण कण, की किसी भी विचारधारा के प्रवर्तन के लिए टीले पर ऊंचाई पर जाने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि सृजन की जो क्षमता है, किरगीले कण यानी सृजन करने वाले कण, क्योंकि सृजन करने की क्षमता, निर्माण करने की, रचना करने की क्षमता किसमें होती है? मिट्टी में होती है। और यहां मिट्टी के लौंदे में यानी मिट्टी का जो ढेला होता है उसके एक एक कण में सृजन करने की अद्भुत क्षमता होती है। व्यंजित अर्थ क्या है? व्यंजित अर्थ है कि यदि हमें एक स्वस्थ मानवतावादी मूल्यों पर आधारित समाज की स्थापना करनी है तो हमें बड़ी बड़ी बातें करके उस समाज की स्थापना करने में सफलता नहीं मिलेगी, बल्कि क्या करना होगा, हमको करना होगा कि हम आम आदमी में जो सृजन की क्षमताएं हैं, मिट्टी का लौंदा किसका प्रतीक है? आम आदमी का। तो आम आदमी में जो सृजन की क्षमताएं हैं उन क्षमताओं को निकालना होगा, उनका उपयोग मानवता के स्थापना के लिए करना होगा, एक नए स्वस्थ मानव समाज की स्थापना के लिए करना होगा। बड़ी बड़ी बातें करने से स्वस्थ और मानवतावादी मूल्यों पर आधारित समाज नहीं बनेगा, जनता के गुणों से ही संभव भावी का उद्भव, भविष्य क्या, जैसा हम भविष्य चाहते हैं उसका जन्म जनता के गुणों का उपयोग करके ही हो सकता है, बड़ी बड़ी बातें करके नहीं। गंभीर शब्द वे आगे बढ़ गए, जाने क्या कह गए मैं अति उद्विग्न। और कभी लिखते हैं कि उनके बहुत गहरे अर्थ वाले वे शब्द थे और वे इतना कहकर आगे बढ़ गए और कभी सोचते रह गए कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या कह दिया, और उनके मन में फिर से वैचारिक संघर्ष चलने लगा। अब एक बार फिर से लौटकर पूरे क्रम को अपने मस्तिष्क में बिठा लेंगे कि तिलक की प्रतिमा के सामने वे कहते हैं कि आप चिंता ना करें, कभी कहते हैं, क्योंकि हम आपके क्रांतिकारी विचारों को आगे बढ़ाएंगे। दूसरे ही क्षण वे अपने हृदय में पीड़ा अनुभव करते हैं, उस पीड़ा से उनके मन में संकल्प उत्पन्न होता है और उस संकल्प के बाद उनको बंदूक की गोली के साथ
उसकी आवाज के साथ ये संकेत मिलता है कि क्रांति के द्वारा ही ये बदलाव लाया जा सकता है। और उसके तुरंत बाद वे जब सोचने के लिए कि किस तरीके से क्रांति की जाए उस विषय में सोच रहे हैं, तो गांधी जी उन्हें दिखाई देते हैं और गांधी जी उनको क्या कहते हैं कि मिट्टी के ढेले में किरगिले कण कण, यानी आम आदमी में जो सृजन की क्षमताएं हैं उनसे ही एक स्वस्थ समाज का निर्माण हो सकता है, उनसे ही उज्जवल भविष्य निर्मित किया जा सकता है। यानी जो प्रश्न मुक्तिबोध के मन में उस समय उठा तिलक की प्रतिमा के बाद कि कैसे क्रांति की जाए, कैसे स्वस्थ समाज को स्थापित किया जाए, महात्मा गांधी के विचारों के माध्यम से कवि कह रहे हैं कि स्वस्थ समाज की स्थापना केवल और केवल आम आदमी के सृजनशील गुणों का उपयोग करके ही हो सकती है, बड़ी बड़ी बातें करके नहीं हो सकती। तो इस तरह से आप पूरे क्रम को आप इस कविता में महसूस कर सकते हैं। एकाएक उठ पड़ा आत्मा का पिंजर और उद्विग्न हो गए, वापस वो विचारों में डूब गए। एकाएक उन्होंने देखा आत्मा का पिंजर क्या है, आत्मा का पिंजर क्या है, हमारा शरीर, तो इसका अर्थ है शरीर। एकाएक कवि ने देखा कि आत्मा का पिंजर यानी वो शरीर यानी महात्मा गांधी उठ गए, खड़े हुए मूर्ति की ठठरी, और वो इतने दुबले पतले थे तो ऐसा लग रहा था मानो मूर्ति कोई ढांचे की मूर्ति वहां पर खड़ी हो। नाक पर चश्मा, हाथ में डंडा, कंधे पर बोला बोरा, बाह में बच्चा, और उनके पूरे स्वरूप का चित्रण करते हैं कि उनकी नाक पर चश्मा था, हाथों में डंडा था, कंधे पर बोरा था और बाहों में बच्चा था। आश्चर्य अद्भुत यह शिशु कैसे, कवि के मन में प्रश्न उठता है। बहुत ध्यान से इस बिंदु को समझेंगे, ये वो अंश है अंधेरे में कविता का जिसमें इसका मूल तथ्य वास्तव में निहित है। तो कवि के अंदर आश्चर्य होता है कि ठीक है, कंधे पर बोरा है, हाथ में डंडा है, नाक में चश्मा है, ये तो गांधी जी के व्यक्तित्व की विशेषताएं हैं ही, लेकिन ये शिशु इनकी गोद में क्यों है। मुस्कुरा उस द्युति पुरुष ने कहा, तब जब द्युति पुरुष कौन है ये प्रश्न पूछा जा सकता है, गांधी जी। द्युति पुरुष शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है, गांधी जी के लिए। तो गांधी जी ने जब देखा उनके चेहरे पर, कवि के चेहरे पर आश्चर्य का भाव, तो उन्होंने कहा मेरे पास चुपचाप सोया हुआ यह था, कि ये जो शिशु है ये मेरे पास चुपचाप सोया हुआ था, संभालना इसको, सुरक्षित रखना, और इसको अब मैं तुम्हें, यानी गांधी जी उस शिशु को उसे दे रहे हैं। शिशु यहां पर किसका प्रतीक है प्रश्न पूछा जा सकता है, शिशु यहां प्रतीक है नव प्राप्त स्वतंत्रता का, क्योंकि नई नई स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी और गांधी जी का उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा था। तो कवि को महसूस होता है वैचारिक संघर्ष के दौरान कि मानो गांधी जी स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने का दायित्व उन्हें यानी आगामी पीढ़ी को सौंप रहे हैं। वही कार्य किसने किया था, बाल गंगाधर तिलक की प्रतिमा के समय भी उन्हें अनुभव हुआ था और वैसा ही उन्होंने अनुभव यहां भी किया है। तो नव प्राप्त स्वतंत्रता यहां शिशु है, तो उस शिशु को मानो गांधी जी किसको दे रहे हैं, कवि को दे रहे हैं, और कवि कह रहे हैं संभालना इसको, सुरक्षित रखना, कि इस कवि से उन्होंने कहा कि इसको सुरक्षित रखना यानी स्वतंत्रता तो प्राप्त हो गई लेकिन इसे सुरक्षित रखना अब युवा पीढ़ी, आज की आगामी पीढ़ी का दायित्व है। मैं कुछ कहने को होता हूं, इतने में वहां पर कहीं कोई नहीं, और कवि कहते हैं कि मैं उनको जवाब में कुछ कह पाता, इतनी देर में ही मैं देखता हूं कि वहां पर कोई नहीं है, यानी गांधी जी जा चुके हैं। और ज्यादा गहरा व और ज्यादा अकेला अंधेरे का फैलाव, और कवि एकाएक वापस बहुत सारे प्रश्नों से घिर जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि आखिर वे करें तो क्या करें, उन्हें चारों ओर अपने अंधकार ही व्याप्त होता है, व्याप्त प्रतीत होता है, क्योंकि उन्हें कोई राह आगे बढ़ने की मिल नहीं रही। बालक लिपटा है मेरे इस गले से चुपचाप, और वो जो बच्चा है, ये आजादी का शिशु है, वो कवि के गले से चुपचाप लिपटा हुआ है, ऐसा उन्हें अनुभव होता है। छाती से कंधे से चिपका है नन्हा सा आकाश, स्पर्श है सुकुमार प्यार भरा कोमल, किंतु है भार का गंभीर अनुभव। और कवि कहते हैं कि वो छाती से और मेरे कंधे से चिपका है और मुझे ऐसा लग रहा है मानो कि एक छोटा सा आकाश यानी एक स्वतंत्रता, आकाश कैसा होता है, उन्मुक्त होता है, अनंत होता है, असीमित होता है, तो वैसा ही अनुभूति कवि को उस बच्चे को लेकर हो रही है, क्योंकि वो बच्चा स्वाधीनता का, स्वतंत्रता का प्रतीक है। तो यहां उन्हें अपने आप से, अपने कंधे से, अपने छाती से मानो एक उन्मुक्त आकाश चिपका हुआ है, ऐसा प्रतीत होता है। नन्हा सा आकाश यानी उन्मुक्त, उन्मुक्तता, अनंतता, जो आकाश की विशेषताएं हैं। स्पर्श है सुकुमार और उसका स्पर्श बहुत सुखद है, कोमल है, प्यार से भरा हुआ है, किंतु है, लेकिन उसका भार जो गंभीर है यानी स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने का जो दायित्व है वो बड़ा है,
स्पर्श कोमल है लेकिन उसका जो दायित्व है स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने का वो बहुत बड़ा है, बहुत गंभीर है, क्योंकि उसको सुरक्षित रखने के लिए न जाने संघर्षों के कितने रास्ते पार करने पड़ेंगे। भावी की गंध और दूरियां अंधेरी, अब भविष्य उनकी आंखों के सामने है, क्योंकि स्वतंत्रता को सुरक्षित रखना किससे संबंधित है, आने वाले समय से संबंधित है। तो भावी की गंध है यानी भविष्य की चिंता कवि के मन में, भविष्य के विषय में विचार कवि के मन में जन्म लेने लगते हैं, लेकिन साथ ही उन्हें यह भी दिखता है कि इस भविष्य की गंध को सुरक्षित रखने के लिए जो रास्ता है वो बहुत लंबा है और अंधकार से भरा हुआ है, विकृतियों और विसंगतियों से भरा हुआ है। आकाशी तारों के साथ लिए मैं चला जा रहा हूं, और कवि कहते हैं कि मैं आकाश में जो छोटे छोटे तारे चमक रहे हैं अंधकार के कारण, जिनका प्रभाव भी, जिनका प्रकाश भी बहुत हल्का सा दिखाई दे रहा है, उसके सहारे ही मैं उस शिशु को लेकर आगे बढ़ता जा रहा हूं। यहां आकाशी तारे यानी अपनी चेतना के प्रकाश के साथ यानी अपने आत्मविश्वास के साथ मैं उस शिशु को, उस आजादी के शिशु को लेकर निरंतर आगे बढ़ रहा हूं, क्योंकि परिवेश में सब जगह विकृतियों और विसंगतियों का अंधेरा है। आगे चले, घुसता ही जाता हूं फासलों की खोहों की तहों में, और कभी कहते हैं मैं निरंतर बढ़ता जा रहा हूं और दूरियां बहुत हैं, अनंत हैं और अंधकार से भरी हैं। तो कभी को ऐसा अनुभव होता है मानो वो फासलों की गुफाओं में, दूरियों की गुफाओं की गहराई में निरंतर घुसते चले जा रहे हैं। अगले अंश पर आते हैं, देखिए शिशु उनके कंधे से चिपका है, उस बात उसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए कवि कह रहे हैं, सहसा रो उठा कंधे पर वह शिशु, अरे अरे यह स्वर अतिशय परिचित। अब अचानक वो जो शिशु है, जो चिपका है स्वाधीनता का शिशु कवि के कंधे से, वो रोने लगता है। तो कवि को लगता है अरे अरे ये रोने लगा, पहले तो विचिंतित होते हैं लेकिन उसके रोने का जो स्वर है वो बहुत जाना पहचाना महसूस होता है कवि को। तो ये रोना क्या है, ये है मानवता की करुण पुकार। तो सहसा रो उठा कंधे पर वह शिशु, अरे अरे यह स्वर अतिशय परिचित। क्यों परिचित है, क्योंकि इस अभी मानवता पुकार करुण पुकार नहीं कर रही, करुण क्रंदन नहीं कर रही, बल्कि इससे पहले के पूर्व काल में भी मानवता कई बार चीत्कार कर चुकी है, कई बार करुण पुकार कर चुकी है, इसलिए कवि को रोने, शिशु के रोने का वो जो स्वर है वो जाना पहचाना लगता है, प्रश्न पूछा जा सकता है। पहले भी कई बार कहीं तो सुना था कि वो, पहले भी मैंने कहीं ये रोने की आवाज इसी तरह की सुनी है। संकेत वही है कि मानवता कई बार आहत हो चुकी है, उसमें तो स्फोटक क्षोभ का आएगा, गहरी है शिकायत क्रोध भयंकर, लेकिन ये जो शिशु अब रो रहा है यानी मानवता की जो पुकार अब कवि को सुनाई दे रही है, उसमें विस्फोट करने वाला क्षोभ यानी व्याकुलता आक्रोश अभिव्यक्त हो रहा है, और ऐसा लग रहा है कि वो शिशु अपने रोने के माध्यम से यानी मानवता अपने रोने के माध्यम से शिकायत कर रही है, और उसमें बहुत ही भयानक क्रोध का स्वर छिपा हुआ है। मुझे डर यदि कोई यह स्वर सुन ले, हम दोनों फिर कहीं नहीं रह सकेंगे। ये पंक्ति किसके लिए है, परिवेशगत दबाव। परिवेश में इतना दबाव है कि विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है, अपने भावों को खुलकर अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता। तो ये परिवेशगत दबाव की ओर संकेत है कि कभी जैसे ही वो बच्चा ऊंचे स्वर में रोने लगता है तो कभी डर जाते हैं कि मुझे डर यदि कोई यह स्वर सुन ले, कि कहीं किसी ने इसके रोने की आवाज सुन ली, तो हम दोनों फिर कहीं रह नहीं सकेंगे। मैं पुचकारता हूं बहुत दुलारता, यानी कवि के मन में ये चिंता हो जाती है। क्या चिंता हो जाती है, कि अगर कोई मानवता की करुण पुकार सुन ले और मुझे उस मानवता के उद्धार के लिए आगे बढ़ता हुआ देख लेगा, तो फिर मेरे लिए यहां इस संसार में रहना मुश्किल हो जाएगा। मैं पुचकारता हूं, इसलिए वो क्या करते हैं, उस शिशु को पुचकारते हैं। जब भी कोई बच्चा रोता है हम उसे तरह तरह के से दुलराते हैं, उसे प्यार करते हैं ताकि वो रोना बंद कर दे। तो वही कार्य कवि यहां कर रहे हैं, और इसका सांकेतिक अर्थ यह है कि अपने तनावग्रस्त मन को बहलाने फुसलाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनका तनाव कुछ हल्का हो सके। मैं पुचकारता हूं बहुत दुलारता, समझाने के लिए तब गाता हूं गाने, अधूली लोरी ही होठों से फूटती, मैं चुप करने की जितनी भी करता हूं कोशिश, और चीखता है क्रोध से लगातार। लेकिन कवि क्या कहते हैं, कवि कहते हैं कि मैं जितने गीत गा रहा हूं, भूली बिसरी ग्लोरियां सुना रहा हूं ताकि वो बहल जाए, यानी अपनी अंतः चेतना जिसमें व्याकुलता है, जिसमें तनाव है, उसको बहलाने के लिए, उसकी चिंतन धारा को मोड़ने के लिए, उसका ध्यान बटाने के लिए
कवि तरह तरह के उपाय कर रहे हैं, लेकिन कवि देखते हैं कि जितना अधिक वो कोशिश करते हैं उस शिशु को चुप कराने की, उतना ही और तेजी से क्रोध में भरकर वो चिल्लाने लगता है। गरम गरम अश्रु टपकते हैं मुझ पर, और उसके आक्रोश की जो गर्मी है, उसके आक्रोश का जो ताप है, वो कवि के हृदय को छूने लगता है। अश्रु के टपकने का मतलब है कि कवि के हृदय को प्रभावित करने लगती है उसकी अभिव्यक्ति, उसका आक्रोश। क्योंकि कवि के व्यक्तित्व की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है कि मन में बहुत उज्ज्वल विचार है, लेकिन अभिव्यक्ति परिवेशगत दबाव के कारण अभिव्यक्त करने का साहस उनके पास नहीं है। इसलिए वो अभिव्यक्ति जो कर रहा है शिशु अपने आक्रोश की, उसकी उसका प्रभाव उनकी चेतना पर पड़ने लगता है। अश्रु टपकने का अर्थ है चेतना पर उनके आक्रोश का, शिशु के आक्रोश के प्रभाव पड़ने लगता है। आगे चलें। किंतु न जाने क्यों खुश बहुत हूं। प्रश्न पूछा जा सकता है कि रो रहा है शिशु, उसको चुप कराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी शिशु के रोने से खुश क्यों है। अगली पंक्ति में इसका जवाब है, जिसको न मैं इस जीवन में कर पाया वह कर रहा है। क्यों खुश है कवि कि जो अभिव्यक्ति अपने विचारों की, अपने आक्रोश की, अपनी उद्विग्नता की जीवन भर कवि ना कर पाए परिवेशगत विकृतियों और दबावों के चलते, वो शिशु उन्मुक्त भाव से अपने उस आक्रोश को अभिव्यक्त कर रहा है। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की उन्मुक्तता देखकर कवि आनंदित है। तो खुश होने का कारण क्या है, शिशु को देखकर कवि के खुश होने का कारण क्या है, उसकी अभिव्यक्तिगत स्वतंत्रता को देखकर, उसके अभिव्यक्ति को देखकर वे आनंदित हैं। मैं शिशु पीठ को थपथपा रहा हूं, आत्मा है गीली। और कवि कहते हैं कि मैं शिशु की पीठ को धीरे धीरे सहला रहा हूं, थपथपा रहा हूं, ताकि वो बंद हो जाए, रोना बंद कर दे, लेकिन मेरी आत्मा में संवेदनाएं जाग गई हैं, मेरी आत्मा में संवेदनाओं का, पीड़ा का गीलापन व्याप्त हो गया है। पैर आगे बढ़ रहे, मन आगे जा रहा, और निरंतर मैं पैर से यानी शारीरिक स्तर पर और मन यानी मानसिक स्तर पर मैं निरंतर आगे बढ़ रहा हूं। ध्यान देंगे इस पंक्ति में, अभी तक कवि ने क्या व्यक्त किया है, परिवेश का बिखराव, अपने अभिव्यक्ति और अनुभूति में तालमेल का अभाव, लेकिन यहां कवि कह रहे हैं पैर आगे बढ़ रहे, मन आगे जा रहा। जैसे ही उस शिशु के अभिव्यक्ति कौशल को देखते हैं, उनकी आत्मा में संवेदनाएं जागृत हो जाती हैं, उनके भाव प्रबल आकार ग्रहण करते हैं, और वे शारीरिक स्तर पर और मानसिक स्तर पर यानी शरीर और मन में सामंजस्य स्थापित हो जाता है, दोनों से ही वो आगे बढ़ रहे हैं, यानी तालमेल स्थापित हो गया है शरीर में और मन में। आगे चलें। डूबता हूं मैं किसी भीतरी सोच में, हृदय में थाले में रक्त का तालाब, रक्त में डूबी हैं द्युतिमान मणियां, रुधिर में फूट रही लाल लाल किरणें, अनुभव रक्त में डूबे हैं संकल्प। और ये संकल्प, कवि कहते हैं कि मैं बहुत गहरी सोच में डूबा हुआ हूं, लेकिन निरंतर आगे बढ़ रहा हूं, बुद्धि से भी जागृत हूं और शरीर से भी सक्रिय हूं, यानी अब शिथिलता का अनुभव नहीं कर रहा, अब मैं अपने आप को दीन नहीं समझ रहा, अब मैं कमजोर नहीं हूं। तो कवि महसूस करते हैं कि मैं गहरे चिंतन में डूबा हुआ हूं, और मुझे महसूस होता है कि मेरे हृदय का जो थाल है उसमें रक्त का तालाब बन गया है, यानी पीड़ा एकत्र हो गई है। देखिए तालाब कितना सारा जल होता है तालाब में, तो हृदय के थाले में रक्त का तालाब यानी पीड़ा बहुत अधिक विस्तृत रूप में उनके हृदय में आ गई है। रक्त में डूबी है द्युतिमान, और उस हृदय के तालाब में जो रक्त यानी जो पीड़ा है, उस पीड़ा में चमकदार मणियां विद्यमान है, और ये चमकदार मणियां हम पहले भी कह चुके, लेखक के सद विचार, मानव कल्याणकारी विचार, उज्ज्वल विचार। रुधिर में डूब रही, रुधिर रक्त होता है, खून, और क्योंकि खून का तालाब बन गया है हृदय में, तो खून में डूबी हुई है मणियां। मणियां कैसी हैं, द्युतिमान है यानी प्रकाश से युक्त है, यानी लेखक के सद विचार जो हैं वो पीड़ा में डूबे हैं। रुधिर में फूट रही लाल लाल किरणें, लेकिन पीड़ा में संवेदना में डूबे रहने के बाद भी उन सद विचारों का प्रकाश इतना प्रखर है कि वो रुधिर में से भी बाहर निकल रही हैं, अपने प्रकाश को फैला रही हैं, और यही कारण है कि वे लाल रंग की दिखाई दे रही हैं। तो लाल रंग क्रांति का प्रतीक, यानी इन सद विचारों से जो किरणें निकल रही हैं वो लाल रंग की होने का मतलब है कि वो विचार कैसे हैं, क्रांतिकारी विचार हैं।
अनुभव रक्त में डूबे हैं संकल्प। और कवि कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि ये जो रक्त है, ये जो संवेदना है, ये मेरे अनुभवों का निचोड़ है, मेरे अनुभवों का रक्त है, और इसमें ये द्युतिमान मणियां यानी मेरे सद्विचार यानी मेरे संकल्प डूबे हुए हैं। यानी मेरे संकल्प अनुभवों में, यानी संवेदनाएं जो अनुभवों से प्राप्त हुई हैं, उनमें डूबकर संकल्प दृढ़ आकार धारण कर चुके हैं, मेरे सद्विचार दृढ़ रूप में बदल चुके हैं। संकल्प कब होते हैं? विचार तो आते हैं जाते हैं, लेकिन जब कोई विचार संकल्प बनता है, इसका मतलब यह है कि उसने ठोस रूप धारण कर लिया है, उसको दृढ़ आधार मिल गया है। तो उसी दृढ़ आधार की ओर संकेत कर रहे हैं कवि, यानी संकेत है कि कवि के मन में जो विचारशीलता, जो उद्विग्नता चल रही थी, जो तरह तरह की विचारधाराएं चल रही थी, वो अब एक आकार लेने लगी है। आगे चलें, चलते हैं साथ साथ। अब देखिए, अभी तक कभी कभी आगे था, कभी विचार पीछे थे, कभी विचार आगे थे, कभी पीछे था, तालमेल नहीं था। लेकिन क्योंकि अब मन और शरीर के स्तर पर कवि सामंजस्य स्थापित कर चुका है, तो चलते हैं साथ साथ। कवि के साथ उनकी बुद्धि, उनके संकल्प साथ साथ चल रहे हैं। अंधियारी गलियों में चला जा रहा हूं, और विकृति के अंधकार से डूबी हुई उन गलियों में कवि कहते हैं कि मैं निरंतर आगे बढ़ता जा रहा हूं। अगले अंश पर आते हैं। इतने में पाता हूं अंधेरे में सहसा कंधे पर कुछ नहीं। अब ध्यान देंगे इस अंश पर, अभी तक कंधे पर कौन था? शिशु था। शिशु कौन? जो नव प्राप्त स्वतंत्रता का प्रतीक है, वो शिशु था। वो शिशु रो रहा था, और रोने पर उसने अपनी पीड़ा, अपना आक्रोश अभिव्यक्त किया। कवि को आनंद हुआ, और कवि के मन में एक दृढ़ संकल्प जागा कि उनको भी अपनी अभिव्यक्ति करनी है और अपने सपनों को साकार करना है। और आगे चलते हैं, अंधकार में बढ़ते जाते हैं। उनके शारीरिक और मानसिक स्तर पर संतुलन आ गया है, उनके विचार एक आकार ग्रहण करने लगे हैं। लेकिन तभी वो देखते हैं कि कंधे पर कुछ नहीं है, यानी शिशु वहां से चला जा चुका है। वह शिशु चला गया जाने कहां, कि कभी देखते हैं कि न जाने वो शिशु कहां चला गया। और अब उसके ही स्थान पर मात्र सूरजमुखी फूल गुच्छे, यानी दूसरा चरण। अब क्योंकि व्यक्तित्व निर्मित हो चुका, विचारों ने आकार ग्रहण कर लिया, दृढ़ता आ गई कवि के अंतर मन में, तो अब उस आजादी के शिशु की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उस आजादी के शिशु को का प्रयोग यहां इसीलिए किया गया था ताकि अभिव्यक्ति के महत्व को, कवि की अंतश्चेतना को समझाया जा सके। तो अब कवि लिखते हैं कि अब उसके ही स्थान पर मात्र सूरजमुखी फूल, कि सूरजमुखी के फूल यहाँ के गुच्छे उनके कंधे पर हैं। जहां शिशु था, वहां अब सूरजमुखी फूल गुच्छे हैं। सूरजमुखी फूल गुच्छे का मतलब है मानवतावादी आदर्श या जीवन मूल्य, जिनको आधार बनाकर हमने स्वतंत्रता प्राप्त की, जिनके लिए गांधी जी ने कहा इसमें से जो उपयोगी है उन्हें लेकर आगे बढ़ो, प्रगतिवान भव का संदेश दिया कवि ने गांधी जी के माध्यम से। उन्हीं मानवतावादी आदर्शों के प्रतीक हैं ये सूरजमुखी फूल। अब सूरजमुखी के ही फूल यहाँ कवि ने क्यों लिखे? सूरजमुखी के फूल की एक खास बात होती है दोस्तों, कि वो सूर्य की प्रखर रोशनी में ही खिलते हैं। तो संकेत क्या है इसका? सूरजमुखी के फूल, इसलिए ये सूर्य कौन सा है? ये सूर्य है क्रांति का सूर्य, मार्क्सवादी विचारों की क्रांति का सूर्य, और उससे ही ये आदर्श खिल सकते हैं, इसलिए इनको कवि ने प्रतीक दिया सूरजमुखी फूल गुच्छे। उन स्वर्ण पुष्पों से प्रकाश विकिरण, और कवि कहते हैं कि वो जो सुनहरे रंग के स्वर्ण पुष्प, क्योंकि सूरजमुखी के फूल पीले रंग के होते हैं, तो उन सुनहरे पुष्पों से प्रकाश की किरणें निकल रही हैं, कंधों पर, सिर पर, गालों पर, तन पर, रास्ते पर फैल रहे किरणों के कण कण। और कवि महसूस करते हैं कि उन मानवतावादी जीवन मूल्यों का जो प्रकाश है वो उनके कंधों पर गिर रहा है, उनके सिर पर, उनके गालों पर, उनके पूरे शरीर पर, यहां तक कि वे जहां जहां कदम पड़ रहे हैं उनके उस रास्ते पर भी वो प्रकाश फैल रहा है, यानी अंधकार दूर हो रहा है पूरी तरह से। क्रांति के, मानवतावादी मूल्यों के प्रकाश में सराबोर हो गए हैं कवि, फैले हैं किरणों के कण कण, और वो किरणों का एक एक कण सर्वत्र व्याप्त होता हुआ कवि को प्रतीत होता है, यानी क्रांतिकारी विचारों के प्रभाव में वो आकंठ डूब चुके हैं। भाई वाह, वाह खूब। इतने में गली एक आ गई और मैं दरवाजा खुला हुआ देखता, जीना है अंधेरा। अब देखिए, कहीं भी जहां गली है कविता में, वहां गली है सकरे रास्तों की, संघर्ष भरे रास्तों की। जहां सीढ़ी है, वो सीढ़ी प्रतीक है उच्चतम लक्ष्य तक पहुंचने वाले मार्ग की, और अंधेरा, मैंने आपको बताया, विकृतियों और विसंगतियों का प्रतीक है। तो कवि आनंदित होते हैं उन सूरजमुखी फूलों को देखकर, उसके प्रकाश में डूब जाते हैं और कहते हैं भाई वाह, बहुत खूब।
इतने में ही आ, क्योंकि वो निरंतर आगे बढ़ रहे, इतने में ही एक गली आती है और वे वहां पर देखते हैं कि एक दरवाजा, एक घर का दरवाजा खुला हुआ है और उसमें ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां हैं। क्योंकि कवि को अब अपने विचार निश्चित मिल गए, अब उनको वो मार्ग तलाश करना है, जिस मार्ग पर चलकर वो क्रांतिकारी विचारों का प्रचार और प्रसार कर सकें। तो वो देखते हैं कि वो सीढ़ी, ये सीढ़ी क्या है, उच्चतम लक्ष्य जो उनका मानवतावादी समाज की स्थापना का जो उच्चतम लक्ष्य है, उस ऊंचाई तक पहुंचने की ये सीढ़ियां हैं। लेकिन ये सीढ़ियां कैसी हैं, ये रास्ता कैसा है उस उच्चतम लक्ष्य तक पहुंचने का, अंधकार से भरा हुआ है। यानी इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए संघर्ष तो तय है, ये संकेत यहां पर कवि दे रहे हैं। कहीं कोई ढिबरी सी टिमटिमा रही है, मैं बढ़ रहा हूं, और कवि कहते हैं कि बहुत हल्की सी कहीं कोई किसी दिए की रोशनी सी है, डिबिया की एक रोशनी है, छोटी सी लौ है और मैं उसके ही प्रकाश में आगे बढ़ा जा रहा हूं। यानी अपनी चेतना के मध्यम प्रकाश में मैं निरंतर अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा हूं। कंधों पर फूलों के लंबे वे गुच्छे क्या हुए कहां हुए, ध्यान देंगे, पहले शिशु था, फिर फूल सूरजमुखी फूलों के गुच्छे आए, अब वो सूरजमुखी फूलों के गुच्छों का संकेत था, क्रांतिकारी विचार उनके प्रभाव को ग्रहण कर लिया, यानी वो रास्ता मिल गया, वो मार्ग मिल गया, वो सीढ़ियां मिल गई जिस पर चढ़कर उच्चतम लक्ष्य को प्राप्त करना है। अब समस्या क्या है, अब समस्या ये है कि उन सीढ़ियों के मार्ग पर चढ़ने पर, उस ऊंचाई पर चढ़ने पर जो संघर्ष होगा, उस संघर्ष को कैसे किया जाएगा, उसका सामना कैसे करना होगा, इस प्रश्न का समाधान प्रस्तुत कर रहे हैं कवि इन पंक्तियों में। तो वो कहते हैं कंधों पर फूलों के लंबे वे गुच्छे क्या हुए कहां गए, यानी वो सूरजमुखी के फूल भी वहां से गायब हो गए। कंधे क्यों वजन से दुख रहे सहसा, अचानक लगता है कि अभी तो मेरे कंधों पर सूरजमुखी के कोमल फूल थे, अब अचानक इन कंधों में इतना भार क्यों महसूस हो रहा है, इतना वजन क्यों, दर्द क्यों कर रहे हैं कंधे। ओहो, बंदूक आ गई यानी उनके कंधे पर अब सूरजमुखी फूलों के गुच्छों के स्थान पर क्या आ गई है, बंदूक आ गई है। यानी बंदूक का अर्थ क्या है, क्रांति के बिना, और कैसी क्रांति, सशस्त्र क्रांति, सशस्त्र क्रांति के बिना उस उच्चतम लक्ष्य तक पहुंचना नामुमकिन है। यानी जिन सीढ़ियों को चढ़ना है कवि को उच्चतम लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, उस जिस अंधकार से, जिस संघर्ष से जूझना है, उस संघर्ष के लिए सशस्त्र क्रांति अनिवार्य है। ये समाधान उस प्रश्न का यहां हो गया, आज से ध्यान देंगे, क्योंकि आगे इसी से जुड़ा हुआ निरंतर क्रम है। आगे चले, वजनदार राइफल भई खूब, और उनको कंधे पर वजनदार राइफल, भारी राइफल मिलती है और कवि आनंद में भर उठते हैं, क्योंकि उनके जितने भी द्वंद्व हैं, जितने भी प्रश्न हैं, उनके आगे से आगे संकेत मिल रहे हैं, समाधानों के संकेत मिल रहे हैं। अगले अंश पर आते हैं, खुला हुआ कमरा है, सांवली हवा है, अब वो जीना है, जीने के बाहर चढ़ने लगे जीने में, लेकिन उनको इतने में एक खुला हुआ कमरा दिखता है जिसमें हवा है, हवादार कमरा है, लेकिन वो हवा सांवली है, यानी विकृतियों से प्रभावित है, झांकते हैं खिड़कियों में से दूर अंधेरे में टके हुए सितारे, और खिड़की खुली है, हवादार कमरा है, खिड़की खुली है, लेकिन खिड़की में से जब कभी बाहर देखते हैं तो अंधकार में दूर आसमान में कहीं कहीं तारे नजर आते हैं, यानी थोड़ी थोड़ी आस्था की, विश्वास की, आशा की किरण, रोशनी दिखाई देती है। आगे चले, फैली है बर्फीली सांस सी वीरान, तितर बितर सब फैला सामान, और कभी देखते हैं कि उस कमरे में सांस, बर्फीली सांस, जब हम बहुत ज्यादा परेशान होते हैं दोस्तों, तो हम एक लंबी सांस लेते हैं और उस लंबी सांस में बहुत ठंडापन होता है, तो वही ठंडापन जो हमारी उदासी का प्रतीक है, वीरानी का प्रतीक है, वही वहां उस कमरे में बर्फीली सांस की तरह उजड़ा हुआपन है, यानी वीरानी है, सुनसान है कमरा, तितर बितर और सारा सामान बिखरा हुआ है, यानी सब कुछ अस्त व्यस्त है, यानी परिवेश की अस्त, जहां वो आ गए हैं, जिस संघर्ष के मार्ग पर उन्हें आगे बढ़ना है, वहां पूरी तरह से असंतुलन है, अव्यवस्था है, असामंजस्य है। बीच में कोई जमीन पर पसरा, और इतने में वे देखते हैं कि बीच में कोई जमीन पर पसरा हुआ है, फैलाए बांह ढह पड़ा आखिर, और उसकी बांहें फैली हुई हैं फर्श पर, और कभी सोचते हैं कि ये शायद कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो जीवन से संघर्ष करते करते बेदम होकर मृत्यु को प्राप्त हो गया। मैं उस जन पर फैलाता टॉर्च, बहुत ध्यान देंगे पंक्तियों पर, मैं उस जन पर फैलाता टॉर्च की यह क्या, और टॉर्च की रोशनी में वो देखते हैं कि आखिर ये कौन व्यक्ति फर्श पर पसरा पड़ा है, तो कवि देखते हैं खून भरे बाल में उलझा है चेहरा, कि उसके जो बाल हैं वो
खून से भरे हुए हैं और उसका उसके चेहरे पर वो बाल इतने ज्यादा आ रहे हैं कि ऐसा लग रहा है मानो उसका चेहरा बालों में उलझ कर रह गया हो। भौहों के बीच में गोली का सुराख और उसकी दोनों भौहों के बीच में गोली मारने का एक छेद बना हुआ है, यानी उसकी हत्या की गई है। खून का पर्दा गालों पर फैला और जब हत्या की गई, गोली मारी, तो उस छेद में से जो खून बहा वो गालों पर आकर के सूख गया है। तो कभी कहते हैं कि उसके गालों पर सूखा हुआ खून है, तो ऐसा लगता है मानो गालों पर खून का एक पर्दा सा फैल गया हो। होठों पर सूखी है कत्थई धारा और गालों से होकर वो खून का की जो धारा है, जो कत्थई रंग सूखने पर हो जाता है खून का, वो होठों तक आ रही है और होठों पर आकर के सूख गई है। फूटा है चश्मा, उसका चश्मा फूटा है, लेकिन नाक सीधी है, यानी वो मृत्यु को प्राप्त हो गया, उसका वध कर दिया गया, लेकिन उसका सम्मान, उसके व्यक्तित्व की गरिमा अब भी यथावत है। उफ़ो, एकांत प्रिय यह मेरा। और कवि कहते हैं ओह, ये व्यक्ति तो एकांत में रहने वाला मेरा प्रिय व्यक्ति था, यानी अकेले में रहता था ये व्यक्ति, परिचित व्यक्ति है और मैं तो इसे बहुत अच्छी तरह जानता हूं। वही, हाँ ये तो वही है, कभी उससे उसकी पहचान, उसके विषय में अपनी पहचान को मजबूत करते हैं। सच्चाई थी सिर्फ एक एहसास, वह कलाकार था। ध्यान देंगे, कवि कहते हैं कि ये वो व्यक्ति है जिसकी अनुभूतियां बिल्कुल सच्ची थी, जिसने जो कुछ महसूस किया वो बिल्कुल सच्चा था, लेकिन अफसोस क्या है, वो एक कलाकार था। कलाकार की बात क्यों की जा रही है? कलाकार की का क्या काम होता है? कलाकार में रचना धर्मिता होती है, कलाकार में सृजन करने की क्षमता होती है, यानी उस कलाकार में वो एक सृजनशील व्यक्ति था। कलाकार का यहां व्यंजित अर्थ है कि वो एक सृजनशील व्यक्ति था, और सृजनशील व्यक्ति की तलाश है कवि को, क्योंकि वो स्वयं एक सृजनशील व्यक्ति है। क्यों? क्योंकि मानव, एक नए मानव समाज की स्थापना करना है, एक नव निर्माण करना है, और निर्माण के लिए सृजनशील तत्वों की आवश्यकता है, कलाकारों की आवश्यकता है। तो कवि कहते हैं वह कलाकार था, गलियों के अंधेरों का हृदय में भार था, और परिवेश में जो गलियां हैं उनमें जो विकृतियों विसंगतियों का अंधकार है उसका बोझ उसके मन पर था, यानी क्योंकि वो सृजनशील था, क्योंकि वो संवेदनशील था, क्योंकि वो कलाकार था, इसलिए वो भी विकृतियों और विसंगतियों के बोझ से दबा हुआ था, उनकी पीड़ा को अपने हृदय में महसूस करता था। पर कार्यक्षमता से वंचित व्यक्ति, लेकिन उसका एक और उसकी पीड़ा थी। एक पीड़ा तो ये थी कि वो परिवेश की विसंगतियों से पीड़ित था, दुखी था। दूसरी पीड़ा उसकी ये थी कि जो सृजन का गुण उसमें था, उस कार्य को करने से उसे वंचित किया गया, यानी परिवेश में जो दबाव है उसके चलते व्यक्ति अपनी क्षमताओं का पूरी तरह से समाज के निर्माण में प्रयोग नहीं कर पाते, इस बात की ओर यहां संकेत किया गया है। चलाता था अपना असंग व्यक्तित्व, और क्योंकि वो अपनी क्षमता, अपनी सामर्थ्य को पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाया लोक कल्याण के लिए, इसलिए वो असंग, अकेला रहता था, किसी के साथ नहीं रहता था, एकांत में रहता था और अपने अस्तित्व को कायम रखता था। सुकुमार मानवीय हृदयों के अपने, और जो कोमल मानवीय हृदय हैं, शुचितर विश्व के मात्र थे सपने, उसमें उसने एक पवित्र संसार बनाने के, यानी मानवतावादी आदर्शों पर स्थित एक संसार बनाने का सपना देखा था। शुचितर यानी पवित्र। स्वप्न व ज्ञान व जीवनानुभव जो हलचल करता था रह रहे दिल में, और उसका जो सपना था उसी के अनुरूप उसके जीवन के अनुभव थे, और जीवन के अनुभवों से प्राप्त ज्ञान, यानी अनुभवों से प्राप्त जो निष्कर्ष था, वो भी उसके इसी सपने का समर्थक था। यानी वो दिन रात अब एक ही बात में डूबा रहता कि किस तरह से मानवतावादी मूल्यों पर एक जगत, एक नया विश्व स्थापित किया जाए, और यही विचार, क्योंकि वो कर नहीं पाता था, तो यही विचार उसके मन में उद्विग्नता उत्पन्न करता था। एक तरह से इस कलाकार के माध्यम से कवि स्वयं अपनी पीड़ा को ही अभिव्यक्त कर रहे हैं। किसी को भी दे नहीं पाया था वह तो शून्य के जल में डूब गया नीरव, हो नहीं पाया उपयोग उसका। और कवि कहते हैं कि वो उसके जो सृजन के सृजनशीलता थी, उसकी जो सामर्थ्य थी, उसकी जो क्षमता थी, उसे वे किसी के कल्याण के लिए इस्तेमाल नहीं कर पाया, किसी को हस्तांतरित भी नहीं कर पाया, और वो स्वयं शून्य के जल में डूबकर शांत हो गया, यानी मृत्यु को प्राप्त हो गया, उसका पूरा उपयोग, उसकी सृजनशीलता का उपयोग हो ही नहीं पाया। पहले हमने एक अंश में ये पढ़ा था कि आम आदमी में ही सृजन की क्षमता होती है, उसी के द्वारा एक सुखद भविष्य का निर्माण हो सकता है, और दूसरे दृश्य कवि यहां ये प्रस्तुत कर रहे हैं कि विडंबना क्या है,
आम आदमी की सामर्थ्य का इस्तेमाल तो तब हो जब करने दिया जाए, जब परिवेश को दबावों से मुक्त किया जाए, लेकिन विडंबना यह है कि सृजनशीलता को दबाया जाता है, उसका दमन किया जाता है। किंतु अचानक झोंक में आकर क्या वह गुजरा कि संदेहास्पद समझा गया और मारा गया वह बधिकों के हाथों। कवि के मन में प्रश्न उठता है कि उसने आवेश में, झोंक में आकर यानी आवेश में आकर ऐसा क्या कर दिया कि उस पर वो शक के घेरे में आ गया और उसे बधिकों यानी आतताइयों के द्वारा, जो शोषक वर्ग है उसके द्वारा उसे मौत के घाट उतार दिया गया। मुक्ति का इच्छुक तृषार्थ अंतर मुक्ति के यत्नों के साथ निरंतर। और कवि कहते हैं कि वो तो सिर्फ मुक्ति का इच्छुक था, तृषार्थ यानी प्यास से पीड़ित, त्रषा से आर्त यानी प्यास से पीड़ित। प्यास किसकी है? मुक्ति की प्यास, उसके हृदय में अंतर यानी हृदय में मुक्ति के यत्नों के साथ। और वो उसी मुक्ति के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहता था, सबका था प्यारा, सभी उसे प्रेम करते थे। कौन? आम आदमी। अपने में द्युतिमान और अपने उज्जवल विचारों के कारण उसका जो व्यक्तित्व था वो स्वयं प्रकाशित होता रहता था। उसका यूं वध हुआ, मर गया एक युग उसका, ये उसका है, उसको इस प्रकार मार दिया गया। तो कवि कहते हैं कि ऐसा लग रहा है मानो एक पूरा का पूरा युग ही समाप्त हो गया, क्योंकि उसी में संभावना थी एक सुखद भविष्य निर्मित करने की। मर गया एक जीवन आदर्श, और एक जीवन का आदर्श जो था वो मृत्यु को प्राप्त हो गया, समाप्त हो गया। इतने में मुझको ही चिढ़ाता है कोई। और जैसे ही कवि के मन में ये विचार आता है, उनको लगता है कि कोई उसके अंदर से उन्हें चिढ़ा रहा है, यानी उनकी अंतश्चेतना उन्हें धिक्कार रही है। सवाल है, मैं क्या करता था अब तक, भागता फिरता था सबूर, यानी उनकी अंतश्चेतना कहती है कि इस एक कलाकार की मृत्यु पर तुम अफसोस कर रहे हो, एक युग के खत्म होने की बात कर रहे हो, तुम अपने भीतर झांक कर देखो कि तुमने अब तक क्या किया। तुमने भी तो अब तक क्या किया, समय इधर उधर भागने में यानी पलायनवादी प्रवृत्ति अपनाई, संघर्ष के लिए कभी अपने आप को तैयार नहीं किया। फिजूल है इस वक्त कोसना खुद को, एकदम जरूरी दोस्तों को खोजूं। देखिए, अब एक कलाकार मर गया, कलाकार जिसमें सृजन के गुण थे। उनको पहले क्या सूत्र मिला था कि क्रांति के मार्ग पर चलकर ही उस उच्चतम लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन अब जो कलाकार मृत्यु को प्राप्त हुआ है वो कैसा है? अकेला। तो कवि को एहसास हो जाता है कि अकेले एक व्यक्ति के करने से कुछ नहीं होगा, क्रांति करनी है तो अपने ही जैसे दूसरे साथी भी तलाश करने होंगे। तो आगे के चरण में वो पूरी योजना चल रही है कवि के हृदय में। कवि कहते हैं इस वक्त अपने आप को कोसना बेकार है, जरूरी क्या है, समय की मांग क्या है? समय की मांग है कि मेरे इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, मेरे इस मार्ग में जो मेरे सहचर बन सकें, ऐसे उपयोगी सद्वृत्तियों के धनी, क्रांति की चेतना से युक्त दोस्तों को, साथियों को खोजूं, ताकि मैं अपनी शक्ति को पूंजीभूत कर और अधिक शक्ति संपन्न बना सकूं, पाऊं मैं नए नए सहचर, नए नए साथी तलाश करूं, सकर्मक सत्चित वेदना भास्कर। और साथी कैसे तलाश करूं? जो सकर्मक हो, जिनमें सक्रियता हो, कर्म करने की क्षमता हो, क्रांति की चेतना हो, और सात्विक गुण हो, चैतन्य हो, और संवेदनशीलता के प्रकाश से प्रकाशित हो, यानी सत चित वेदना के प्रकाश से प्रकाशित हो, जो मेरे हर कदम पर क्रांति के लिए सूत्रपात करने में मेरा सहयोग कर सकें, ऐसे साथियों को ढूंढना जरूरी है। क्यों? क्योंकि वो कलाकार जो सृजनशील था लेकिन अकेला था, उसकी मृत्यु हो गई और एक जीवन का आदर्श निशेष हो गया, समाप्त हो गया। तो कवि वहां से संकेत ग्रहण करते हैं कि अकेले क्रांति नहीं हो सकती, उसके लिए वैसे ही साथियों को, ऊर्जावान साथियों को ढूंढना होगा। आगे चलें। जीने से उतरा, जीने पर चढ़ रहे थे कि अचानक उन्हें यह दृश्य निकला, दिखाई दिया, यानी अब उन्हें साथी की तलाश करनी है, यानी लक्ष्य तक बाद में पहुंचेंगे, इसलिए वो क्या करते हैं, जीने से वापस नीचे उतर आते हैं। एकाएक विद्रूप रूपों से घिर गया सहसा पकड़ मशीन सी, और कवि को लगता है कि जैसे ही वो सीढ़ियों से नीचे उतरे हैं, उनको बहुत भयानक, बहुत सारे विद्रूप यानी भयानक आकृतियों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया है। और उनकी पकड़ कैसी है? जैसे मशीन में कोई पकड़ ले, मशीन पकड़ लेती है और आसानी से नहीं छोड़ती, उसकी पकड़ जितनी कड़ी होती है वैसी ही पकड़ उनको अपने ऊपर दिखाई देती है। भयानक आकार घेरते हैं मुझको, कवि को लगता है कि भयानक आकृतियों ने मुझे चारों ओर से घेर लिया है, मैं आतताई सत्ता के सम्मुख। और कवि अपने आप को शोषक, आतताई आतंकवादी शासन के प्रमुख के सामने प्रस्तुत पाते हैं, यानी क्रांति का आगाज करना,
साथियों की तलाश करना, अपने जैसे सहचरों को तलाश करना भी इतना आसान नहीं, उसके मार्ग में भी भयंकर रुकावटें हैं। एकाएक हृदय धड़क कर रुक गया, क्या हुआ? एकाएक हृदय की धड़कन कभी इतने घबरा गए कि उन्हें लगा जैसे हृदय ने धड़कना बंद कर दिया हो, और वे समझ नहीं पाए कि क्या हुआ। भयानक सनसनी, विचारों की सनसनी उनके मस्तिष्क में हो गई। पकड़कर कॉलर गला दबाया गया, और किसी व्यक्ति ने उनके कॉलर को पकड़कर इतनी जोर से उनका गला दबाया कि गले पर उनके दबाव महसूस होने लगा। चांटे से कनपट्टी टूटी कि अचानक त्वचा उखड़ गई गाल की पूरी, और किसी ने कवि को महसूस हुआ कि जोर से उनकी कनपट्टी पर इतनी जोर से चांटा मारा कि उनकी पूरी की पूरी त्वचा उखड़ गई, और गाल की पूरी त्वचा उखड़ करके बाहर आ गई। कान में भर गई भयानक अनहद नाद की भनभन, और जब कोई बहुत जोर से चांटा मारता है तो कान में भनभन की आवाज आती है, वो आवाज उनके कानों में गूंजने लगी। और दूसरा काम क्या होता है जब भयंकर चांटा पड़ता है, आंखों के सामने तितलियां सी घूमने लगती हैं। तो कभी उसका वर्णन करते हैं, आंखों में तैरी रक्तिम, लाल रंग की तितलियां सी घूमने लगी, नीले रंग की चिंगारियां सी घूमने लगी, सामने उगते डूबते धुंधले कोहरेल वर्तुल, और आंखों के सामने ऐसे कोहरे से बड़े हुए बड़े गोले बनने लगे जो कि सामने पहले उगते फिर धीरे धीरे धुंधले होकर के डूब जाते। यानी इस तरह आंखों के सामने चक्कर सा उनके आ गया। जिनका के चक्रिल केंद्र ही फैलता जाता, उस फैलाव में दीखते मुझको धंस रहे गिर रहे बड़े बड़े टावर, घुंघराला धुआं गेरू अज्वाला, हृदय में भगदड़ सम्मुख दिखा। अब कभी कहते हैं कि वो जो उनको आंखों के सामने चक्र घूमते हुए दिखाई दे रहे थे, उनको लगा जैसे उस चक्र में वो चक्र निरंतर विस्तृत होता जा रहा है, और उस चक्र में बड़े बड़े टावर धंस रहे हैं, चारों ओर घुंघराला धुआं फैल रहा है, और उस धुएं के ऊपर गेरुए रंग की ज्वाला यानी अग्नि व्याप्त है। गेरुआ रंग यानी क्रांतिकारी विचार, यानी क्रांतिकारी विचारों को का प्रचार होते अनुभव कर रहे हैं कवि। हृदय में भगदड़, और कवि के हृदय में इस स्थिति में भगदड़ उत्पन्न हो जाती है। सम्मुख दिखा, तभी सामने उनको दिखाई देता है, उजाड़ बंजर टीले पर सहसा रो उठा कोई, रो रहा कोई। और जैसे ही क्रांतिकारी विचारों को वो प्रचलित होते दिखाई देखते हैं तो उनको लगता है कि दूर कहीं एक बंजर सा उजड़ा हुआ एक टीला है, और उस पर बैठा कोई व्यक्ति रो रहा है, लेकिन वो अकेला नहीं है, रो रहा कोई भागता कोई सहायता देने, लेकिन उसके रोने की आवाज सुनकर कोई दूसरा उसकी सहायता के लिए आ रहा है। यानी संवेदनशीलता का प्रचार समाज में हो रहा है, समाज में जागृति आ रही है, अंतर तत्वों का पुनः प्रबंधन और पुनर्व्यवस्था पुनर्गठन सा होता जा रहा है। और कवि कहते हैं कि सामाजिक स्तर पर संवेदना के स्तर पर जो बिखराव जो असामंजस्य मैं महसूस कर रहा था, मुझे लगता है कि इस क्रांति के विचारों के प्रभाव से वो व्यवस्था वो आंतरिक तत्व फिर से व्यवस्थित रूप धारण करने लगे हैं। सब कुछ जैसे बेतरतीब था जो वो अब व्यवस्थित होता जा रहा है। दृश्य ही बदला, चित्र बदल गया, और फिर एकाएक दूसरा दृश्य सामने आता है। जबरन ले जाया गया मैं गहरे, एक तरफ चार क्यों ले जाया गया, क्यों कवि के मन में ये दो दृश्य चल रहे हैं, एक और क्रांति के प्रसार का दृश्य चल रहा है, दूसरी ओर उन पर आतंक जो है आतंकताइयों का जो शिकंजा कसा जा रहा है उसका दबाव भी वो चित्रित कर रहे हैं, जिससे कि वो परिवेश की उस समय के परिवेश की पूरी स्थिति को अभिव्यक्त कर सकें। तो वो कहते हैं दृश्य बदल गया, चित्र भी बदल गए। अचानक वो देखते हैं कि उनको एक गहरे अंधेरे कमरे में ले जाया गया जहां पर स्याह यानी जो कल काले अंधकार से घिरा हुआ था, और सिफर यानी शून्य यानी खाली कमरा था। टूटे से स्टूल पर बिठाया गया, और वहां पर मुझे एक टूटे से स्टूल पर बिठा दिया गया है, शीश की हड्डी जा रही तोड़ी, क्योंकि कवि क्रांति चेतना के विचारों के प्रचारक हैं। तो कवि को महसूस होता है कि ये क्रांति की चेतना, क्योंकि पूंजीपति वर्ग जो शोषक वर्ग है जो आतताई वर्ग है उसके लिए उस घातक है, इसलिए वो कवि को पकड़ कर ले जाते हैं, एक अंधेरे कमरे में टूटे से स्टूल पर बिठाते हैं। और कवि को महसूस होता है कि क्योंकि क्रांति विचार जो उत्पन्न होता है वो मस्तिष्क में उत्पन्न होता है, तो उस विचार की गहराई तक जाना चाहता है आतताई वर्ग, तो वो उनके सिर की हड्डी को तोड़ रहा है। ये सिर की हड्डी को तोड़ने का ये जो पूरा का पूरा दृश्य है वे विचारों के संघर्ष की उग्रता का प्रतीक है। दोस्तों, लोहे की कील पर बड़े हथौड़े पड़ रहे लगातार। जब हम किसी भी भारी भरकम जमी हुई चीज को तोड़ने की कोशिश करते हैं तो हम एक मोटी सी कील लेते हैं और उस पर हथौड़े से प्रहार करते हैं। वही कवि वहां महसूस करते हैं कि ऐसा लग रहा है एक लोहे की मोटी सी कील है, उसको मेरे शीश पर मेरे सिर पर रख दिया गया है और उससे हथौड़े पर चोट की जा रही है। यानी विचारों का संघर्ष उग्र रूप धारण कर चुका है, शीश का मोटा अस्थि कवच ही निकाल डाला और मेरा जो खोपड़े का
बाहर का जो ढांचा है हड्डियों का वो उसको निकाल दिया है और अंदर देखा जा रहा है, यानी जांच पड़ताल की जा रही है। कवि के इसका संकेत है कि उनके एक एक विचार पर, उनकी एक एक गतिविधि पर नजर रखी जा रही थी। मस्तक यंत्र में कौन विचारों की कौन सी ऊर्जा, और कवि कहते हैं कि वहां तलाश की जा रही है मेरे खोपड़े को, मेरे जो खोपड़ा है, खोपड़ी का जो ढांचा है उसको निकाल दिया है और अंदर जो मस्तिष्क के जो अलग अलग अंग हैं उन सब को, मस्तिष्क के अंग यंत्र यानी मस्तिष्क के अंगों में कौन सी वैचारिक ऊर्जा काम कर रही है, ये क्रांतिकारी विचारों का स्रोत आखिर कहाँ है, उसकी तलाश की जा रही है। कौन सी शिरा में कौन सी धक धक, कौन सी नस में कौन सी विचार धड़क रहा है, इसकी जांच की जा रही है। कौन सी रग में कौन सी पुरपुरी और कौन सी नस में कौन सी ऊर्जा प्रवाहित है, इसकी जांच की जा रही है। कहाँ है पश्यत कैमरा जिसमें तथ्यों के जीवन दृश्य उमड़ते, और पश्यत कैमरा यानी छिपा हुआ वो कैमरा कहाँ है जिसमें ये परिवेश के सारे जीवन के दृश्यों को साकार कर देता है, जांच लेता है, देख लेता है, परख लेता है, कहां कहां शोभक स्फोटक सामान, और इसके मस्तिष्क में कहां वो आक्रोश उत्पन्न करने वाला विस्फोटक, विध्वंस उत्पन्न करने वाला, क्रांति का विध्वंस मचाने वाला सामान कहां छिपा है, भीतर कहीं पर गड़े हुए गहरे तलघर अंदर, कि निश्चित ही इसके मस्तिष्क में कहीं कोई गुप्त तहखाना है जहां पर इसने वो विस्फोटक सामग्री इकट्ठा करके रखी है। छिपे हुए प्रिंटिंग प्रेस को खोजो, कि उस इसके मस्तिष्क में उस प्रिंटिंग प्रेस को भी खोजो जहां के चुपचाप ख्यालों के पर्चे छपते रहते बांटे जाते, जहां से ये अपने विचारों के पर्चे छापता है और समाज में प्रचारित करता है, फैलाता है, बांटता है, यानी उस गहराई को, उस स्रोत को ढूंढो जहां से क्रांतिकारी विचारों को, विचारों का प्रचार ये करता है। पर्चे बांटना यानी ये पूरी पंक्तियां क्रांतिकारी विचारों का प्रचार करने की ओर है। इस संस्था के सेक्रेटरी को खोजो, अब कोई भी एक अगर क्रांतिकारी दल है तो उसका एक सेक्रेटरी होता है, तो कहा जा रहा है आतताई समूह के द्वारा कि इस संस्था, ये जो क्रांतिकारी संस्था है, इसके सेक्रेटरी को ढूंढो, शायद उसका ही नाम हो आस्था, कि ऐसा सुना था कि उसका नाम आस्था है। कहाँ है सरगना इस टुकड़ी का, इस टुकड़ी का नेता कहाँ है, कौन लीडर है, कौन इसको संचालित करता है, कहाँ है आत्मा, उसका नाम हमने सुना था कि वो आत्मा है इस टुकड़ी का लीडर, तो इस यानी कवि संकेत कर रहे हैं कि अपने आस्था के बल पर, अपनी आत्म चेतना के बल पर वे इस क्रांतिकारी विचार को प्रचारित करने का कोशिश कर रहे हैं। और मैं सुनता हूँ चिढ़ी हुई ऊंची खिजलाई आवाज, और कवि कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि कोई, जब उन्हें कुछ नहीं मिल रहा मेरे मस्तिष्क में, तो एक कोई व्यक्ति बहुत खिजला गया है, झुंझला गया है, और झुंझला कर ऊंची आवाज में कहता है, स्क्रीनिंग करो मिस्टर गुप्ता, क्रॉस एग्जामिन हिम थॉरली, यानी क्या कह रहा है कि मिस्टर, कोई मिस्टर गुप्ता है जिनसे कोई आतताई वर्ग का कोई बड़ा लीडर कह रहा है कि इसकी अच्छी तरह से स्क्रीनिंग करो, यानी गहरी जांच करो, गहरी जांच पड़ताल करो, क्रॉस एग्जामिन हिम थॉरली, इससे बहुत सारे सवाल जवाब पूछो अच्छी तरह से, थॉरली, पूरी तरह से, ताकि इसके दल का, इसके क्रांतिकारी विचारों का पूरा सत्य हमारे सामने आ जाए और हम उसे निर्मूल कर सकें। चाबुक चमकार पीठ पर है, लेकिन कवि को, उस आतताई दल को कुछ नहीं मिलता, परिणाम क्या होता है, चाबुक चमकार पीठ पर यद्यपि उखड़े चर्म की कत्थई रक्तिम रेखाएं उभरी, और कवि कहते हैं कि उनके ऊपर चाबुक से प्रहार किया जाता है, पीठ पर लंबे लंबे चाबुक की लाल रेखाएं जिनमें खून झिलमिलाकर जम गया है, ऐसी रेखाएं उभर आती हैं, चमड़ी उखड़ गई है, पर यह आत्मा कुशल बहुत है, कभी कहते हैं, लेकिन मेरे शरीर पर प्रहार किए जा रहे हैं, यानी बाहरी दबाव तो मेरे शरीर पर तक ही सीमित है, लेकिन मेरी जो आत्मा है वो तो बहुत कुशल है, वो तो बहुत चतुर है, वो हर स्थिति का सामना करने की क्षमता से युक्त है, देह में रेंग रही संवेदना की गर्मीली कड़ुई धारा को गहरी, झनझन थर थर तारों को उसके समेट कर वह सब वेदना विस्तार करके इकट्ठा, और आत्मा क्या करती है, आत्मा करती है कि जो पीड़ा है उस पीड़ा की गर्मीली, गर्म यानी ऊर्जा से युक्त, और कड़वी, क्योंकि विसंगतियों से प्राप्त पीड़ा है तो कड़वी है, मीठी तो हो नहीं सकती, तो कड़वी और गर्म ऊर्जा से युक्त जो संवेदना है उसकी धारा को और अधिक गहरा रूप देती जा रही है आत्मा, झनझन थर थर तारों को उसके, और फिर क्या कर रही है, उस जितने भी तार हैं उस वेदना के, उन सब तारों को वो समेट रही है, और क्या कर रही है, वेदना विस्तार करके उस विस्तृत वेदना को इकट्ठा कर रही है, यानी उसे दृढ़ आकार दे रही है।
मेरा मन यह जबरन, और मेरा मन क्या करता है, आत्मा ने जो वेदना को विस्तृत रूप था उसको जो संकुचित किया है, इकट्ठा किया है, संगठित किया है, उसे मेरा मन जबरन पूरा ताकत लगा करके उसकी एक छोटी सी कड्डी यानी कठोर जो कभी खुल ना सके ऐसी गांठ बांधता है, सख्त जो बहुत मजबूत है, कठोर है मानो की पत्थर, और कितनी कठोर है मानो की पत्थर, जोर लगाकर उसी गठान को, और कवि कहते हैं और मैं पूरी ताकत लगाकर वो जो गठान वेदना की पीड़ा की बांधी है मेरी आत्मा ने मेरे मन ने उसकी मैं उस गठान को हथेलियों से करता है चूर चूर, धूल में बिखरा देता है उसको मन, यह हटता है देह की हद से, जाता है कहीं पर अलग जगत में, विचित्र क्षण है सिर्फ जादू है। और कहते हैं कि मेरा मन क्या करता है, उस गिठान को जो कड़ी गांठ पत्थर के समान कठोर गांठ वेदना की मेरे मन ने मेरी आत्मा ने बांधी उसको मेरा मन हथेलियों से चूर चूर कर देता है और उसे मिट्टी में बिखरा देता है, और मेरा मन हटता है देह की हद से यानी शारीरिक कष्टों की सीमाओं से बाहर निकल जाता है मेरा मन और धूल में बिखरा देता है उसको, चक्करता है चूर चूर। इसका अर्थ क्या है कि परिवेशगत जो दबाव हैं, ऐसे दबाव जो शारीरिक कष्ट भी दे रहे हैं, उन परिवेशगत दबावों को कवि अपनी संकल्प शक्ति से प्रभावहीन करते हैं। और क्या होता है, शरीर की सीमाओं से पार चले जाते हैं वो, यानी शरीर की पीड़ा अब उनको अनुभव ही नहीं होती, जाता है कहीं और किसी और अलग जगत में चले जाते हैं, विचित्र क्षण है और उस आनंद में उस अलग अपने लोक में डूबे हैं। कवि कहते हैं कि इसकी अनुभूति अद्भुत है और ऐसा लग रहा है मानो वे किसी जादुई लोक में आ गए हैं। मात्र में बिजली यद्यपि खोह में खूंटे से बंधा हूं, दैत्य है आसपास फिर भी बहुत दूर मीलों के पार, वहां गिरता हूं चुपचाप पत्र के रूप में किसी एक जेब। कभी कहते हैं कि मैं ऐसा लग रहा है उस विचित्र जादुई क्षण में जब मैंने उन परिवेशगत यातनाओं को दबावों को निष्फल कर दिया है, उन्हें चकनाचूर कर धूल में मिला दिया है, उस क्षण मैं बिजली की तरंग बन जाता हूं यानी ऊर्जा का एक स्रोत मात्र बन जाता हूं, क्योंकि मैं शारीरिक कष्टों की सीमा से बाहर आ गया हूं। यद्यपि खो में, लेकिन शारीरिक मानसिक स्तर पर मैं बाहर हूं, एक ऊर्जा का स्रोत हूं, लेकिन शारीरिक स्तर पर मुझे आतताइयों ने खूंटे से बांध रखा है, मेरे चारों ओर राक्षसी वृत्तियों के हिंसक व्यक्ति हैं जो मुझे नष्ट कर देना चाहते हैं, लेकिन मेरा मन जो है वो बहुत दूर मीलों दूर जाता है और मेरे जो विचार हैं वो एक पत्र के रूप में किसी एक व्यक्ति की जेब में जाकर के गिर जाते हैं, यानी मुझ पर कितने भी परिवेशगत दबाव हों लेकिन मेरे क्रांतिकारी विचार प्रचारित हो रहे हैं, क्रांतिकारी विचारों का प्रचार हो रहा है। वह जेब किसी एक फटे, और किसकी जेब में गिरते हैं, किसी एक फटे हुए मन की, यानी कोई एक पीड़ित व्यक्ति। क्या कहा गया था, कहा गया था कि मिट्टी के ढेले में किरगीले कणगण, यानी सृजन की अद्भुत क्षमता होती है आम आदमी में, कैसे जैसे मिट्टी के एक एक कण में सृजन की क्षमता होती है, तो वही कार्य यहां कवि कर रहे हैं कि वो पीड़ित मन यानी आम आदमी को अपने क्रांतिकारी विचारों से परिचित करा रहे हैं। समस्वर समताल सहानुभूति की सनसनी कोमल हम कहां नहीं है, और कवि एक अद्भुत लोक में है, वे अपने क्रांतिकारी विचारों को प्रचारित होते हुए देख रहे हैं, तो उनको लगता है कि सब तरफ समान स्वर आ गया है, समान ताल आ गई है, यानी तरतीबी व्यवस्था आ गई है, सहानुभूति चारों ओर कोमल रूप में व्याप्त हो रही है, यानी जो दूरियां फासले मनुष्य मनुष्य के बीच थे वो सब समाप्त हो रहे हैं, संवेदनशीलता की नदियां प्रवाहित होने लगी हैं, और कवि को लगता है हम कहां नहीं है कि मैं भले ही यहां खूंटे से बंधा हूं, मुझ पर परिवेश के दबाव है, लेकिन मेरे विचार कहां नहीं है, यानी सर्वत्र सब जगह मैं हूं अपने विचारों के रूप में, सभी जगह हम निजता हमारी और हमारा अस्तित्व प्रश्न चिन्ह है, हमारा अस्तित्व यानी जहां हमारे विचार है वही हमारा अस्तित्व है, क्योंकि हमारा अस्तित्व हमारा ये शरीर नहीं है, हमारा अस्तित्व है हमारे विचार। भीतर भीतर बिजली के जीवित तारों के जाले, ज्वलंत तारों की भीषण गुत्थी, बाहर बाहर धूल सी भूरी, और कवि कहते हैं कि मेरे भीतर बिजली के जैसे तार के अंदर बिजली की तरंगे प्रवाहित होती हैं, ऐसे ही मेरे इस शरीर में क्रांति की विचारधारा की तरंगें प्रवाहित हो रही हैं, और उन ऐसे क्रांति के विचारों का एक पूरा जाल सा बना हुआ है, और वो जाल बहुत ज्वलंत हैं, यानी इतने ऊर्जा के अनंत स्रोत हैं, और उनका भीषण झुंड
मेरे अंदर है, यानी उसे किसी भी तरीके से कोई व्यक्ति दबा नहीं सकेगा, बाहर बाहर। और उनके ऊपर भूरी सी धूल है, किसकी? विकृतियों की, विसंगतियों की, थोड़ी सी जमी हुई मिट्टी है, लेकिन उससे मेरे उज्जवल चेतना की उज्जवलता, उसका प्रकाश धीमा नहीं पड़ता। जमीन की पपड़ी, और उस धूल को पपड़ी भी जम गई है, या क्योंकि वो बहुत पुरानी जमी हुई विकृतियों की धूल है। अग्नि को लेकर मस्तक हिमवत, उग्र प्रबंजन लेकर उरी है बिल्कुल निश्चल। और कभी कहते हैं कि जिस तरह से हिमालय पर्वत अपने शिखर पर, अपने मस्तक पर बर्फ धारण करता है लेकिन उसके अंदर आग होती है, उसी तरह से मैं अपने हृदय में क्रांति की आग लेता हूं लेकिन मेरी बुद्धि संतुलित है, शीतल है, शांत है, उसमें कहीं कोई उद्विग्नता नहीं है। तो मैं अपने हिमवत यानी बर्फ के समान ठंडे, संतुलित, शीतल मस्तिष्क में क्रांति की आग को वैसे ही धारण करता हूं जैसे हिमालय के शिखर ऊपर से हिम से ढके हुए भी अंदर अग्नि को धारण करते हैं, उग्र प्रबंजन लेकर। और मेरा जो हृदय है वो अपने अंदर तूफानी प्रबंजन यानी तूफानी, भयंकर तूफानी हवा को धारण कर रहे हैं, यानी भयंकर क्रांतिकारी विचार व्याप्त हैं, लेकिन मैं ऊपर से बिल्कुल निश्चल हूं, यानी मेरे व्यक्तित्व में कहीं कोई चंचलता नहीं है, कहीं कोई बेचैनी, कहीं कोई व्याकुलता नहीं है। भीषण शक्ति को धारण करके आत्मा का पोशाक दीन व मैला, और मैं अपने अंदर, कवि कह रहे हैं कि मैं उस भीषण ऊर्जा के स्रोत को, किसकी ऊर्जा? क्रांतिकारी विचारों की ऊर्जा के स्रोत को मैं अपनी आत्मा में धारण करता हूं। मेरी आत्मा का ये पोशाक, आत्मा का पोशाक क्या है? शरीर। मेरी आत्मा का जो पोशाक है शरीर, ये भले ही दीन और मैला है, कमजोर है, लेकिन मेरी आत्मा बहुत ताकतवर है, बहुत कुशल है, बहुत शक्तिशाली है, ऊर्जा का अनंत अखंड भंडार है। विचित्र रूपों को धारण करके चलता है जीवन लक्ष्यों के पथ पर। और कभी कहते हैं कि इसी तरह से मैं उस अपनी आत्मा, अपनी चेतना के बल पर मैं अपने अलग अलग रूपों में, क्योंकि क्रांति की भावना विस्तृत हो रही है, कभी अब अकेले नहीं है, तो वो कह रहे हैं अलग अलग रूपों को धारण करके मेरा जीवन चलता जा रहा है, मेरे विचार आगे चल रहे हैं और मैं अपने लक्ष्य पर आगे बढ़ रहा हूं। अब अगले पद पर आ गए हैं, रिहा, छोड़ दिया गया मैं कवि को, क्योंकि पिछले अंश में कवि ने बताया था कि आतताई दल ने उनको पकड़ लिया है, कैद कर लिया है, वो था उनके परिवेशगत दबावों की जकड़न का प्रतीक। अब वो मुक्त हो गए हैं, यानी परिवेशगत दबावों से वे मुक्त हो गए हैं, क्योंकि आत्मा की ऊर्जा के अनंत स्रोत को उन्होंने पहचान लिया है। छोड़ दिया गया मैं, कवि कह रहे हैं मैं मुक्त हो गया, कई छाया मुक्त, लेकिन मैं मुक्त तो हो गया हूं लेकिन फिर भी कई छाया कृतियां हैं जो मेरा निरंतर पीछा करती हैं, यानी आतंकी जो दबाव थे, परिवेश के जो दबाव थे, अब भी वो उतने सशक्त नहीं रहे, उतने प्रभावशाली नहीं रहे, लेकिन मेरा निरंतर पीछा करते हैं। छाया कृतियां न छोड़ती हैं मुझको, जहां जहां गया वह भौं के नीचे के रहस्यमय छेद मारते हैं संगीन। और कभी कहते हैं कि वो छाया कृतियां मेरा इतना भयंकर पीछा करती हैं कि मैं जहां जहां जाता हूं भौं के नीचे के रहस्यमय छेद का मतलब क्या है? भौं के नीचे रहस्यमय छेद क्या है? हमारी आंखें। तो हमारी जो आंखें हैं उन व्यक्तियों, वो छाया आकृतियों की, वो आतंकवादी परिवेशगत दबावों के प्रतिनिधि, शोषक समाज की जो नेत्र हैं, जो रहस्यमय तीखी नजरों से कवि को देखते हैं, वो मारते हैं संगीन। वो इतनी तीखी नजर से मुझे देखते हैं कि ऐसा लगता है मानो मेरे शरीर में संगीन घुसा रहे हों। दृष्टि की पत्थरी चमक है पहनी, और उनकी दृष्टि पत्थर के समान कठोर है, लेकिन उसमें तीखापन है, चमक तीखी है, चुभने वाली है, मुझे अब खोज। लेकिन अगर मुझे इन परिवेशगत छाया कृतियों से भी मुक्ति पानी है तो उसका रास्ता क्या है? मुझे अब खोजने होंगे साथी, कि अब मुझे अपने जैसे और साथियों की तलाश करनी होगी। काले गुलाब व स्याह सेवंती, श्याम चमेली, संवलाए कमल, जो खोहों के जल में, भूमि के भीतर पाताल तल में, खिले हुए कब से भेजते हैं संकेत, सुझाव संदेश भेजते रहते हैं। और कभी कहते हैं कि मुझे अब उन काले गुलाबों को ढूंढना होगा, स्याह सिवंती के फूलों को ढूंढना होगा, श्याम चमेली को ढूंढना होगा, उन सांवले पड़ गए कमलों को ढूंढना होगा, जो खोहों के, जो उन गुफाओं में रह रहे हैं, लेकिन उनमें कैसे हैं? भूमि के भीतर, भूमि के भीतर रह रहे हैं, यानी बहुत ही अभावग्रस्त स्थितियों में रह रहे हैं। देखिए, फूल गुलाब बहुत सारे रंगों के होते हैं, सिवंती सफेद रंग का होता है, चमेली फूल सफेद रंग का होता है, कमल मूलतः गुलाबी रंग का होता है, लेकिन सबके साथ काला रंग जुड़ा हुआ है। काले गुलाब, स्याह यानी काली सिवंती, श्याम चमेली, संवलाए कमल। कवि क्या संकेत करना चाह रहे हैं
कि मुझे ऐसे साथियों को ढूंढना है जिनकी चेतना उज्जवल है, ऊर्जावान है, जिनमें कुछ कर गुजरने की तत्परता है, सक्रियता है, लेकिन जो संघर्ष और विकृतियों के प्रभाव के कारण काले पड़ गए हैं, यानी जिनकी चेतना पर विकृतियों और विसंगतियों का कालापन भी है। क्यों? क्योंकि उन्हें जब विकृतियों से प्राप्त जो संवेदनाएं हैं, जब पीड़ाएं हैं, जब उनका एहसास होगा, तभी उनका संघर्ष वास्तविक रूप में, प्रभावशाली रूप में उभर कर हमारे सामने आ सकेगा। जैसे स्वयं कवि हैं, तो अपने जैसे साथी ही वे तलाश कर रहे हैं, जो अभावग्रस्त जीवन जी रहे हैं, भूमि के भीतर पाताल तल में खिले हुए कब से भेजते हैं संकेत, और वो सब बहुत दीनहीन स्थिति में किसी गहरी गुफा में अंधकार में जीवन जी रहे हैं, लेकिन वहां से समय, वहां पर भी वे खिले हुए हैं अपने प्रकाश से, अपने सद्विचारों के प्रकाश से खिले हुए हैं, और वहां से निरंतर मुझे क्रांतिकारी सुझाव और संदेश भेजते रहते हैं। ऐसे उन साथियों की मुझे तलाश करनी होगी ताकि मैं मजबूत हो जाऊं, मेरी क्रियाशीलता और अधिक बढ़ जाए, क्योंकि मैं अकेला इस स्वप्न को साकार नहीं कर सकूंगा। इतने में सहसा दूर क्षितिज पर दीखते हैं मुझको बिजली की नंगी लताओं से भर रहे सफेद नीले मोतिया चंपई फूल गुलाबी, उठते हैं वहीं पर हाथ अकस्मात अग्नि के फूलों को समेटने लगते हैं। और कभी कहते हैं कि तभी मैं दूर क्षितिज पर मेरी दृष्टि जाती है, जैसे ही कभी कहते हैं मुझे अपने जैसे साथी ढूंढने होंगे, तो क्षितिज यानी जहां पृथ्वी और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं, वहां दूर क्षितिज पर कवि को दिखाई देते हैं बिजली की नंगी लताओं से भर रहे, कि कुछ ऐसी लताएं हैं वहां जिन पर बिजली के फूल उगे हुए हैं, और जो कैसे हैं, सफेद हैं, नीले हैं, मोतियां हैं, चंपई हैं और गुलाबी फूल हैं। यानी संकेत क्या है, दूर देश, दूर क्षितिज यानी दूर देश में मुझे बिजली यानी क्रांति की विचारधारा के फूल खिले हुए दिखाई देते हैं, यानी मार्क्सवादी विचार कवि को मिल गए हैं संकेत, उठते हैं वहीं पर हाथ अकस्मात। और कवि कहते हैं कि उन बिजली के फूलों से मैं इतना प्रभावित हो जाता हूं, क्रांतिकारी विचारधारा से मैं इतना प्रभावित हो जाता हूं कि अचानक मेरे जो हाथ है वो उठकर उन अग्नि के फूलों को यानी उन क्रांतिकारी विचारों को समेटने लगते हैं, यानी मैं उनको अपने व्यक्तित्व में शामिल करने लगता हूं, अपना बनाने लगता हूं, मैं उन्हें देखने लगता हूं, और एक टक मैं उनको देखता हूं। अचानक विचित्र स्फूर्ति सी मैं भी जमीन पर पड़े हुए चमकीले पत्थर लगातार चुनकर बिजली के फूल बनाने की कोशिश करता हूं। और कवि कहते हैं कि जैसे ही मैं उनको देखता हूं, देखने मात्र से मुझ में एक विचित्र स्फूर्ति फुर्ती आ जाती है, मेरा शरीर में ऊर्जा की तरंगें दौड़ने लगती हैं, और मैं क्या करता हूं, मैं यंत्रवत ऐसा करता हूं कि जमीन पर पड़े हुए जो चमकीले पत्थर हैं, यानी जो उपेक्षित आम जन हैं जिनमें सृजन की क्षमताएं हैं, उनको लगातार उठाने लगता हूं और उनको बिजली के फूल बनाने की कोशिश करता हूं, यानी उनमें क्रांति की चेतना जगाने की कोशिश करता हूं। रश्मि विकिरण मेरे भी प्रस्तर करते हैं प्रतिक्षण, और कभी कहते हैं कि मेरे जो पत्थर हैं जिनको मैंने जमीन से उठाया है, उनमें भी अद्भुत किरणें हैं और वे भी निरंतर अपनी किरणों का प्रसार करते हैं, रेडियो एक्टिव रत्न है वे भी, और उनमें भी परिवेश की विसंगतियों को समाप्त करने की रेडियो एक्टिव क्षमता है, बिजली के फूलों की भांति ही रत्न है वे भी। और जिस प्रकार ये क्रांतिकारी विचार महत्वपूर्ण हैं, विकृतियों और विसंगतियों का नाश करने वाले हैं, उतने ही अनमोल मेरे वो रत्न भी हैं जिन्हें मैंने जमीन से उठाया है, जो प्रकाश और ऊर्जा के अनंत स्रोत हैं। किंतु असंतोष मुझको है गहरा, लेकिन सब सारी सामर्थ्य है उनमें, लेकिन फिर भी मुझे एक असंतोष है। वो असंतोष क्या है, शब्दाभिव्यक्ति अभाव का संकेत, लेकिन ऊर्जा का स्रोत है, प्रकाश है, उज्ज्वलता है, रश्मियां हैं, लेकिन अभिव्यक्ति का अभाव है। काव्य चमत्कार उतना ही रंगीन परंतु ठंडा, ऐसा लगता वो ऐसे है जैसे काव्य में बहुत सारी रंगीन सुंदर बातें की जाए, लेकिन वो काव्य किसी को प्रभावित करने की क्षमता ना रख सके, यानी अभिव्यक्ति से उनकी अभिव्यक्ति दबी हुई है। मेरे भी फूल हैं तेजस्क्रिय पर अतिशय शीतल, और कवि कहते हैं कि मेरे जो फूल हैं वो तेज से युक्त हैं, उनमें प्रकाश अद्भुत तेज है, अद्भुत तेजस्विता है, प्रकाश है, लेकिन शीतल हैं, ठंडे हैं। क्यों? क्योंकि उनमें अभिव्यक्ति की ऊष्मा का अभाव है। मुझको तो बेचैन बिजली की नीली ज्वलंत बाहों में बाहों को उलझा करनी है उतनी ही प्रदीप्त लीला, आकाश भर में साथ साथ उसके घूमना है मुझको। और कभी कहते हैं कि इतनी शीतलता से मेरा काम कैसे चलेगा, मुझे तो ज्वलंत बाहों में यानी क्रांति की बाहों में बाहें डालकर
मुझे उतनी ही चमक रोशनी फैलानी है क्रांति की, जिससे कि पूरा का पूरा आकाश, पूरा का पूरा परिवेश उससे व्याप्त हो जाए, उससे चमक उठे और मैं उस प्रकाश के साथ घूमना चाहता हूँ। मेरे पास न रंग है बिजली का, गौर कि मेरे पास बिजली का जैसा गोरा रंग नहीं है, क्योंकि मैं विकृतियों और विसंगतियों में जूझकर बड़ा हुआ हूँ। भीमाकार हूँ मेघ में काला, मैं बिजली का गोरा रंग नहीं है, बिजली की उज्ज्वलता नहीं है, लेकिन मैं एक विशाल काय काला मेघ हूँ, क्योंकि मैं विसंगतियों और विकृतियों की मलिनता के बीच पल कर बड़ा हुआ हूँ, मैं उनसे जूझ जूझ कर बड़ा हुआ हूं। परंतु मुझको है गंभीर आवेश, अथाह प्रेरणा स्रोत का संयम, अरे इन रंगीन पत्थरों फूलों से मेरा काम नहीं चलेगा, क्या कहूं मस्तक कुंड में जलती। और कवि कहते हैं कि लेकिन मुझ में अब गंभीर आवेश है, यानी कुछ कर गुजरने की ऊर्जा का संचार मुझ में हो रहा है, मुझ में बहुत अथाह प्रेरणा जागृत हो रही है, अरे इन, और कभी कहते हैं कि इन रंगीन पत्थरों फूलों से, यानी इन दिखावटी सजावटी आदर्शवादी बातें जो केवल कहने की हैं, व्यवहार में जिनको नहीं लाया जाता, उनसे मेरे उद्देश्य नहीं साधे जा सकेंगे, मेरा काम नहीं चलेगा। अब मैं क्या कहूं, ये सारी स्थितियों को देखकर मस्तक के कुंड में जलती, मस्तक कुंड में यानी कवि के मस्तिष्क में बहुत सचित वेदना, सच्चाई व गलती, मस्तक शिराओं में तनाव दिन रात। और कवि कहते हैं कि ये सारी विषम स्थितियों को देखकर मैं अब पहुंच गया हूं कि मेरा मार्ग क्या है, मुझे कैसे क्रांतिकारी चेतना का प्रसार करना है, ये सब भी मैं जान गया हूं, लेकिन अभिव्यक्ति की जो ऊर्जा है उसकी तलाश मुझे है, और वो तलाश नहीं मिल पा रही, इसीलिए मेरे अंदर सतचित वेदना निरंतर जलती है, और उसके कारण मेरी मस्तिष्क की एक एक नस में दिन रात तनाव विद्यमान रहता है। आगे चलते हैं। अब देखिए यहां है कवि का दृढ़ संकल्प। पलायनवादी था, संतुलित हुआ, और अब वो हर तरह का खतरा उठाने के लिए अपने आप को तैयार है। कवि लिखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण अंश है, परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है, अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे, यानी संकल्प का प्रमाण है ये अंश, कि कवि कहते हैं कि अब नहीं अभिव्यक्ति को दबाया जा सकेगा, क्योंकि अब मेरी सचित वेदना जल चुकी है, मेरे मस्तिष्क में दिन रात तनाव रहता है, और मैं कुछ भी कर गुजरने के लिए तत्पर हूं, तो अब मैं हर अभिव्यक्ति के मार्ग में आने वाली जो भी रुकावटें हैं उनको, मैं जितने भी खतरे हैं उन सबको उठाने के लिए मानसिक स्तर पर तैयार हूँ, शारीरिक स्तर पर तैयार हूँ, ऊर्जा के अपने स्रोत को महसूस कर चुका हूँ, तोड़ने ही होंगे मठ और घर सब, और इस संसार में, इस जगत में, इस समाज में, इस परिवेश में जितने भी आतंकी केंद्र हैं, आतंकी केंद्र आज के वर्तमान संदर्भ में आप आतंकवाद को इसका अर्थ ना लें, बल्कि वे अड्डे जो मनुष्य के मानवीय मनुष्य होने के अधिकार से उनको वंचित करते हैं, यानी शोषक समुदाय, निष्ठुर समुदाय, उनके जो मठ और गढ़ हैं, यानी उनके जो केंद्र हैं, शोषक आततायी समुदाय के जो केंद्र हैं, उन सबको तोड़ना होगा, क्योंकि जब तक ये नहीं टूटेंगे तब तक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होगी। तो सबसे पहला खतरा क्या उठाना है कि जो मठ और गढ़, जो केंद्र हैं, जो अभिव्यक्ति पर अंकुश लगाते हैं, उनको समाप्त करना होगा। आगे चले, पहुंचना होगा दुर्गम पहाड़ों के उस पार, तब कहीं देखने मिलेंगी बाहें जिसमें कि प्रतिपल कांपता रहता अरुण कमल एक। और कवि कहते हैं कि उसके बाद पहले तो उन मठों और केंद्रों को तोड़ना होगा, उसके बाद उन दुर्गम, जिन पहाड़ों पर चढ़ना मुश्किल है, उन दुर्गम पहाड़ों को पार करना होगा, यानी उच्चतम लक्ष्य तक पहुंचना होगा, संघर्ष करके उच्चतम लक्ष्य तक पहुंचना होगा, और तब उस पहाड़ का पार कर, यानी उच्चतम लक्ष्य को प्राप्त कर, हमको वो स्थान मिलेगा, वो बाहें मिलेंगी जिनमें हर क्षण एक अरुण कमल, यानी मानवता, अरुण कमल मानवता का प्रतीक है, मानवीय दृष्टिकोण का प्रतीक है, जहां पर हर पल वो बाहें मिलेंगी, वो हाथ मिलेंगे जिनमें हमें अरुण कमल लहराता हुआ, कांपता हुआ मिलेगा, ले जाने उसको धसना ही होगा झील के हिमशीत सुनील जल में। और कभी कहते हैं कि कमल का पुष्प क्योंकि जल में ही उगता है, तो अगर हमें उस मानवता के कमल के फूल को, लाल रंग के कमल के फूल को लेकर आना है, तो उसको लाने के लिए हमें न केवल दुर्गम पहाड़ों के पार जाना होगा, बल्कि हमें बर्फीले, ठंडे, गहरे अंधकार, नीले यानी अंधकार से भरे उस विकृतियों के जल में भी डूबना होगा, क्योंकि वो कमल कहाँ खिलते हैं, कमल कीचड़ में खिलते हैं, तो उस कीचड़ में यानी परिवेश में व्याप्त विसंगतियों की दलदल में अपने आप को धसाना होगा, तब हम उस मानवता के अरुण कमल को प्राप्त कर पाएंगे।
चांद उगाया है गलियों की आकाशी लंबी सी चीर में, तिरछी किरणों की मार उस नीम पर जिसके कि नीचे मिट्टी के गोल चबूतरे पर नीली। और आगे कवि कहते हैं कि क्योंकि अब वे संकल्प दृढ़ संकल्प ले चुके हैं, अब वे आशान्वित हैं, अब मार्ग उनके सामने पूरी तरह से स्पष्ट हो चुका है, तो वो कहते हैं कि उज्जवल विचारधारा का जो चांद है वो उग आया है। भले ही गलियां हैं, सकड़ी गलियां हैं, भले ही गुफाओं की जैसी सकड़ी गलियां हैं, उनमें अंधकार छाया है, लेकिन उनसे जो एक चीर, एक टुकड़े के समान जो आकाश का छोटा सा टुकड़ा दिखाई देता है, उसमें से उस उज्जवल विचारों, सद विचारों के, क्रांतिकारी विचारों के की जो किरणें हैं वो तिरछी दिखाई दे रही हैं, पड़ रही हैं, यानी क्रांति की चेतना जो है वो गलियों में व्याप्त विकृतियों के अंधकार पर पड़ने लगी है, उसे नष्ट करने लगी है उस नीम पर, और उस नीम पर भी पड़ रही हैं वो किरणें जिसके कि नीचे मिट्टी के गोल चबूतरे पर, जिसके नीचे, उस नीम के नीचे एक मिट्टी का गोल चबूतरा है और उस पर नीली चांदनी में कोई दिया सुनहला जलता है, मानो कि स्वप्न ही साक्षात अदृश्य साकार। और कभी कहते हैं कि उस नीम के पेड़ पर भी वो किरणें सद्विचारों की, क्रांति के विचारों की किरणें पड़ती हैं, जिनके नीचे एक गोल मिट्टी का चबूतरा बना है, उस पर एक सुंदर दिया अपनी लौ से चारों ओर प्रकाश फैला रहा है, कोई दिया सुनहला, यानी मानवतावादी विचार, यानी चंद्रमा आकाश में उगा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि क्रांतिकारी विचार केवल आकाश में है, वो जमीन तक व्याप्त है, दिया इस बात का प्रतीक है, जलता है मानो कि स्वप्न ही साक्षात अदृश्य साकार। और कवि कहते हैं उस क्षण उस दिए को देखकर मुझे ऐसा लगता है मानो मेरा सपना ही साकार होकर मेरे सामने आ गया हो, और जो अदृश्य केवल मेरे मनस्पटल पर था, मेरे मन में था, उसने साकार रूप धारण कर लिया हो। मकानों के बड़े बड़े खंडहर जिनके कि सूने मटियाले भागों में खिलती ही रहती, और जो बड़े बड़े खंडहर जैसे मकान है, यानी जिनमें जीवन का उल्लास और आनंद नहीं है, उनके सूने मटमैले यानी विकृति ग्रस्त भागों में अब खिलती ही रहती, रात महकती रात रानी फूल भरी जवानी में लज्जित तारों की टपकती अच्छी न लगती। कि उन वो जो खंडहर जैसे जिनमें जीवन का उल्लास नहीं है, ऐसे मकानों में जहां अंधकार और विकृतियों का अंधकार छाया है, वहां भी रात की रानी यानी फूल, सुगंधित फूल खिलते हैं, लेकिन वे युवा अवस्था में जबकि उनका सौंदर्य, उनकी ऊर्जा अपने चरम पर होती है, तब भी वो लज्जित रहते हैं। किसके कारण? परिवेशगत दबावों के कारण। कभी कहते हैं कि इन दबावों से जो ऊर्जा, जो सौंदर्य, जो व्यक्तित्व की उज्ज्वलता दब रही है, वो मुझे अच्छी नहीं लगती। अब मुझे आवश्यकता है, मुझे सोचना है, मुझे ऐसा करना है ताकि ये तारों का प्रकाश जो है, जो चांदनी का जो प्रकाश है, वो इस घर के अंधकार को भी दूर कर सके, और पूरे विश्वास के साथ, पूरी दृढ़ता के साथ हर व्यक्तित्व मेरे समाज का, मेरे परिवेश का अपने प्रबल रूप में सामने आए, अपने पूरे गुणों के साथ उभर कर चमकते हुए रूप में सामने आए। तो दोस्तों, ये हुआ हमारा आज का सत्र। उम्मीद करती हूं कि ये सत्र भी आपके लिए अन्य सत्रों की तरह का उपयोगी रहेगा, रहा होगा, और दूसरी बात, आप बिल्कुल बोर नहीं होंगे, ऐसा विश्वास भी मैं लेकर चल रही हूं। अगले सत्र के इंतजार में रहिए। नमस्कार।